अमोघ होता है। संत किसी पर जब कृपा करते हैं ना कोई एक ऐसा माध्यम बना करके रखते हैं, ऐसे माध्यम बना देते हैं तो जैसे भगवान ने बोले कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अब वो किस गुण पर कैसे रीझते हैं ये उनके ऊपर निर्धारित है। पूतना मारने के लिए आई तो भी उस पर रीझ गए, पूतना मारने के लिए आई तो भी उस पर रीझ गए। किस गुण पर रीझ गए, बोले कोई बात नहीं मारने आई होगी लेकिन काम तो इसने माता वाला किया, जो माता माता तो दूध पिलाती ये भी दूध पिलाने ही आई, इसी गुण पर उस पर रीझ गए। सुग्रीव शरण में आया इसलिए रीझ गए, विभीषण जी शरण में रीझ गए। तो दयानिधि कौन से गुण पर रीझ जाते हैं इसका पता नहीं किसी को, कब कहां और कैसे ये कृपा कर देंगे। उसी प्रकार संत जन किस प्रकार से कृपा करते हैं महाराज ये तो वही जाने। ऐसी कृपा करी उन महात्मा ने, उन पर कृपा करी उस पर आत्मदेव जी पर, और कह वो जानते भी हैं कि ये फल वह खाएगी नहीं लेकिन फिर भी कृपा देखिए ठीक है कोई बात नहीं ये फल तो हम हो गए। गैया को फल दिया और गैया का जब फल दिया गया तो उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। कथा सब कोई जानते हैं जिसमें से गोकर्ण जी है, सब कोई जानते हैं कि वो गोकर्ण है। अब यहां पर जो मैं कहना चाहता हूं वो बात यह है कि एक महात्मा का दिया हुआ प्रसाद की अवहेलना, एक संत की अवहेलना करी धुंधली ने तो उसकी क्या गति हुई, और उस महात्मा के प्रसाद को सम्मान दिया और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया, और आत्मदेव जी ने श्रद्धा थी उनके फल पर, संत पर श्रद्धा थी, इसलिए हमारे यहां कहा जाता है साधु अवज्ञा तुरत भवानी। साधु की अवज्ञा करोगे ना तो तुरंत फल मिलेगा, साधु अवज्ञा तुरत, हाँ देर नहीं। उसने महात्मा के दिए हुए फल की अवज्ञा करी तो धुंधली की क्या स्थिति हुई सब कोई जानते हैं, अंधेरे में जाके कुएं में गिर गई मर गई। इसलिए कभी भी संत सदगुरु की अवहेलना नहीं, कहीं से कहीं तक अवहेलना नहीं। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, दो पुत्र हो गए, लेकिन एक बात, एक छल के द्वारा पुत्र आया है और एक संत के द्वारा आया है, संत कृपा से आया है, तो अंतर देख लीजिए। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है गोकर्णा पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला है। एक संत की कृपा से, गौ माता के कृपा से, गौ माता के उदर से प्रकट हुए श्री गोकर्ण जी महाराज गोकर्ण पंडितो ज्ञानी पंडित हुए, ज्ञानी हुए, और एक छल के द्वारा जो बालक लाया गया, नाटक करके लाया गया, वो महान खल हुआ। भागवत जी के महात्म्य में धुंधकारी तो क्या क्या नहीं करता है। स्थिति ऐसी हुई कि छल कपट के द्वारा आया हुआ धुंधकारी ने धुंधली को भी और आत्मदेव जी को भी किस प्रकार से कष्ट दिया है,
धन ला करके दो, नहीं हनिस्से लत्या न चेत, जलती हुई लाठी से मारूंगा, लकड़ी से मारूंगा। ये कह रहा है। ये कारण केवल एक ही है कि धुंधकारी को कहीं से कहीं तक उसके मैया ने गौ सेवा से नहीं जोड़ा था। और आत्मदेव जी तो स्वयं गौ माता के ही पुत्र हैं। धुंधकारी के कोई भी संस्कार गैया मैया के द्वारा नहीं किया गया, वहां तो स्वतंत्र ही उसकी मैया धुंधली ने ही नाम रख दिया। मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम धुंधकारी होगा। कारण केवल इतना सा है, उसके संस्कार आदि गैया मैया से नहीं किए गए। और एक श्री गोकर्ण जी महाराज का संस्कार जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वो गौपुत्र हैं, गौ माता के कृपा पात्र हैं, और वास्तविक गौवत्स हैं तो श्री गोकर्ण जी महाराज हैं। गौवत्स हैं गोकर्ण जी महाराज। आगे की स्थिति जानते ही हैं। धुंधली चली गई, समाप्त हो गई, और आत्मदेव जी को कष्ट हुआ। धुंधकारी उनको परेशान करने लगा। कृपा कौन करता है? कृपा करती है गैया मैया। गैया मैया की पुत्र श्री गोकर्ण जी महाराज ने जब आत्मदेव जी को रोते और बिलखते देखा, तो संत गोकर्ण जी महाराज के हृदय में करुणा बरस गई। उन्होंने कृपा कर दी। इसको कहते हैं गौपुत्र। जो गौपुत्र होते हैं, जो गौ माता की सेवा से जुड़े रहते हैं, जो गौ माता की कृपा से जुड़े रहते हैं, जो गौ माता के आश्रित रहते हैं, वो सब पर कृपा करुणा करते हैं। आज आत्मदेव जी पर कृपा कर दी। और एक बात सच्ची बताऊं, आत्मदेव जी महाराज ज्ञानी हैं, द्वितीय भास्कर हैं, लेकिन फिर भी उनके समझ में बात अभी तक नहीं आई थी। आज किसी गौपुत्र ने, आज श्री गोकर्ण जी महाराज ने, किसी गौवत्स ने, जो गैया मैया का कृपा पात्र है, उसने समझाया, तो तुरंत ही आज आत्मदेव जी महाराज के एक एक बात समझ में आ गई। एक एक बात उनके समझ में आ गई। ऐसा उपदेश दिया है, ऐसा सुंदर उपदेश दिया है गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को। अद्भुत अद्भुत वह श्लोक है। देहे स्थिमान सुरुधरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये गौपुत्र ही उपदेश दे सकते हैं। ऐसा सुंदर उपदेश किया है महाराज। ऐसे संसार की स्थिति परिस्थिति को खोल करके रख दिया है। पिताजी, जो आपने अहमता कर रखी है, आपने जो इस शरीर से इतना अहंकार कर रखा है, इस शरीर में, इसके मूल पर जाइए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है यह शरीर। इसके मूल पर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी, अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांसोणित लेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। यह शरीर अस्थियों से बना हुआ है, नस नाड़ियों से बना हुआ है, रक्त मांस आदि से बना हुआ है। बस केवल बात इतनी सी है,
कि इसकी जो ऊपर की डेंटिंग पेंटिंग है वो थोड़ी ठीक ठाक कर दी गई है। मांस सोनित लेमितम चर्मावनद्धम, थोड़ा सा ऊपर का डेंटिंग पेंटिंग ठीक कर दिया गया है बस। लेकिन मूल जो इसके अंदर भरा है पता जी उस पे विचार करिए। दीवाल तो दिखने में बड़ी सुंदर लगती है और बहुत अच्छी अच्छी दीवाले लोगों को लगती है, भैया पता नहीं कौन सा पेंट लगा रखा इसने है, बड़ी सुंदर लग रहा है, बड़ी अच्छा बना रखा है, बहुत दिव्य लग रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को विचार अगर कर ले कि इसके अंदर कौन सा मसाला है, तो व्यक्ति उसके अस्तित्व के बारे में समझ जाएगा कि अरे वही बस सीमेंट बालू वही सब जगह लगा हुआ है, बस ऊपर से थोड़ा चिकना कर दिया गया है। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर भी क्या भरा हुआ है। बड़ा लोग इस पे मरते हैं भाई। महाराज जी कहते हैं सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत खाते का। आपको ऐसा लग रहा है बड़ी सुंदर है तो थोड़ा सा इसका एक परत निकाल करके फिर देखो, फिर आपको देखने में फिर तो आपको घृणा जैसे आएगी। एक परत निकाल करके बस देखो, शंकराचार्य भगवान कहते एतन मांस वसादि विकारम मनसि विचारे बारम बारम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ये इसकी जो अहमता है इसमें अहंकार, व्यक्ति यही धुंधकारी जो प्रेत रूप में है वो इस बात को कहता है गोकर्ण जी महाराज से कि भैया यह शरीर की स्थिति ऐसी, जिस व्यक्ति अहंकार इस शरीर में पाल करके रखा है, और अहंकार किस चीज से कर रखा है, जो अन्न रात्रि काल खा लिया जाता है वो प्रातः काल खाने लायक नहीं रह जाता है, खराब हो जाता है, बासी हो जाता है, उस अन्न को कोई दोबारा ग्रहण नहीं करता है। रात्रि में जिस अन्न को खा लिया है वो सुबह खाने लायक नहीं रह जाता है। उस अन्न को लोग खा करके और अपने में अहंकार दिखाते हैं, जिस अन्न की ही ऐसी स्थिति है उस अन्न को खा करके व्यक्ति अहंकार दिखाता है। हमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं, हमसे बलवान तो कोई है ही नहीं, इस प्रकार से व्यक्ति शरीर में अहंकार दिखाता है। महाराज जी कहते हैं कि शरीर की सुंदरता क्या है, शरीर की सुंदरता क्या है, बड़ा चमक रहा है भैया, बहुत चमक रहा है, शरीर की सुंदरता क्या है। आपको अपने शरीर की सुंदरता देखनी है ना तो सच्ची बताएं, दो गोली ले लो जमाल घोटा की, अपना चेहरा पहले शीशे में देख लो और जमाल घोटे के दो गोली ले लो और फिर उसके बाद देखो तुम्हारा सायंकाल तक चेहरे का कैसा रंग बदलता है। कैसा रंग बदलेगा महाराज, किस प्रकार से रंग बदल जाता है, शरीर की सारी चमक महाराज खत्म हो जाती है। कहां चली गई चमक, किस चीज की चमक थी, वास्तविक शरीर की जो चमक है ना यह मलमूत्र की चमक है। उस मलमूत्र के भांड में व्यक्ति आओ, उस मलमूत्र के भांड में व्यक्ति ऐसा समझता है अपने आप को
कि भैया हमसे सुंदर तो कोई है ही नहीं है। आ गए, बैठ जाओ। तो उस मलमूत्र के भांड को भी व्यक्ति ऐसा समझता, ऐसी स्थिति वो समझता है उसकी। तो चमक किसकी है? बोले चमक तो यह वास्तविक जो भी है ना, ये उसी की है। फिर भी व्यक्ति इस शरीर को देख करके, इसकी सुंदरता को देख करके व्यक्ति स्वाभाविक आकर्षित होता है। व्यक्ति दर्पण के सामने जाकर के अपने आप को निहारता है, और ऐसे निहारता है महाराज, लगता है कि अब वो दर्पण के अंदर ही ना घुस जाए कहीं है? अपने बालों को संभालता है, अपने चेहरे में बार बार महाराज देखता है कहीं गड़बड़ तो नहीं है, बार बार हाथ लगाता है और देखता है कहीं कुछ है, सेटिंग गड़बड़ तो नहीं। वह व्यक्ति यह नहीं जानता है, वह व्यक्ति यह नहीं समझता है कि जैसे तुम यहां पर हाथ लगा रहे हो ना, वैसे ही वहां पर जो है ना कौवे भी इंतजार कर रहे हैं अपने चोच में, बढ़िया महाराज मालिश कर रहे हैं, चल यहां लगा के वहां आए फिर बताऊंगा तुझको। तो ये जो शरीर की सुंदरता है, शरीर में जो आकर्षण शक्ति है, जो शरीर चमक रहा है ना, केवल एकमात्र यह मलमूत्र ही है। नहीं, सारे शरीर की चमक खत्म हो जाती है। दस्त की गोली ले लो फिर पता चल जाएगा, सारी चमक खत्म शाम तक में, सारी चमक, सारा सब कुछ खत्म। इसका मतलब है क्या वो चमक? शरीर की चमक केवल मलमूत्र का भांड है। और एकदम सच्ची बात है, आप शरीर को देख लो, कितना भी अच्छा से अच्छा चीजें खिलाओ और स्थिति क्या होती है उसकी। तो पिताजी, जो आपने आत्मदेव जी को कह रहे हैं गोकर्ण जी महाराज कि जो तुमने ये किया ना, जो अहंकार कर रखा है अपने शरीर से, इसका त्याग करना पड़ेगा। और आप नहीं त्याग करोगे तो जबरदस्ती त्याग हो जाएगा फिर तो। तो जो शरीर में हम अहंकार करके बैठे हैं ना, अरे ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है, इस प्रकार की भावना जब हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी तो काम बनेगा। तो देहेस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यज त्वम। पिताजी, आपको इसका जो शरीर से आपने आसक्ति कर रखी है, और सही बताएं, ये अहंकार, और ये जो अहंकार ही है ना, यही बंधन का कारण है। ये अहंकार ही बंधन का कारण है, इसलिए पिताजी आप इसकी आसक्ति का त्याग करिए। दूसरी बात कही उन्होंने, जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच। पहली बात तो अहंकार की करी कि पिताजी अहंकार का त्याग करिए, शरीर में जो अहंकार रखा है उसका त्याग करिए। दूसरी बात कही, आपने जो शरीर के संबंधियों में ममत्व कर रखा है इसका भी त्याग कर दीजिए। ममताम त्यजत्वम, ममता का त्याग करिए। ममता का त्याग करने का तात्पर्यार्थ केवल इतना सा ही है, उसका संबंध आप अपने से ना जोड़ करके उसका संबंध आप भगवान से जोड़े। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। पत्नी, पुत्र, धन आदि जो भी है ना, इसका संबंध भगवान से जोड़िए। ये सब ठाकुर जी के दिए हुए हैं, जो कुछ भी संबंध है ये भगवान का दिया हुआ है। तो अपने आप से ही ममता समाप्त हो जाएगी। और ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ममता बंधन का कारण। महाराज जी सुनाते हैं ना, ममता तू न गई मेरे मन से, स्थिति ऐसी हो जाती है। इसलिए ममत्व का त्याग, मैं और मेरेपन का त्याग, मेरेपन का त्याग अत्यंत जरूरी है, मैं का त्याग अत्यंत जरूरी है। इसलिए मैं और मेरेपन का त्याग करिए पिताजी। ये एक उपदेशक कौन है, इस बात पर विचार करना अत्यंत जरूरी है। या उपदेश देने वाला है कौन, ये उपदेश दे कौन रहा है,
यहां बात केवल इतनी सी ही है, उपदेशक कोई सामान्य नहीं, स्वयं गौपुत्र है। उपदेशक स्वयं गौपुत्र है, गोकर्ण जी महाराज सो गो माता के गर्भ से जन्म लिए हैं। पिताजी पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, ये जो आप जिस संसार को आप देख रहे हैं ना, जिस संसार के ऊपर आपकी दृष्टि जा रही है ना, जिसके प्रति आपने इतना बंधन बना रखा है ना, क्षण भंग निष्ठम केवल एकमात्र क्षणिक है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलि प्रात को जात खिली न खिली। तो ये स्थिति है, तो ये स्थिति है, इसलिए संसार और वास्तविक एक जगह पर ये टिकने वाला संसार नहीं है। सुबह तो कितनी गर्मी थी, यहां पर, लेकिन थोड़ी देर बाद बरसात हो गई, अभी कहो धूप और तेज हो जाए। ये जो परिवर्तन है ना, ये एक निष्ठ नहीं, क्योंकि ये संसार है और संसार का तात्पर्य अर्थ ही है सरकना, सदा सरकता रहता है, सदा बदलता रहता है, एक गति से नहीं, एक जगह पर नहीं टिकता है, एक निष्ठ नहीं है संसार में, एक जगह पर नहीं, इसलिए आदमी भी बदलता रहता है। कुछ दिन पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं, और ऐसे संसारी ही तो है। एक रस रहने वाले, एक जगह पर दृढ़ रहने वाले केवल भगवान ही हैं। आज भी बिहारी जी हमारे वैसे हैं, आज से हजार साल पहले भी बिहारी जी हमारे वैसे थे, और करोड़ों वर्ष बाद बिहारी जी हमारे वैसे ही रहेंगे। यमुना जी हमारी वैसी ही बह रही, आज भी यमुना जी हमारी वैसी ही बह रही, आगे भी हमारी यमुना जी वैसी बहती रहेगी। जैसे ब्रज की रज पहले थी, वैसे आज और आगे भी, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। एक व्यक्ति कह रहे थे, महाराज जी वृंदावन तो बदल गया, आप सब जगह ये नाली बहती है और बड़े बड़े मकान बन गए, खूब बड़े बड़े बिल्डिंग बन गई, और वृंदावन अब वो उतना बात नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग। तुम क्या देखने गए हो, बिल्डिंग देखने गए थे, देखने क्या गए थे, तुम वृंदावन देखने गए थे ना, तो वृंदावन जैसे पहले था, वृंदावन आज भी वही है। एक सच्ची बात है, क्या इन ईंट पत्थरों में इतनी दम है कि वृंदावन की महिमा को घटा दे, क्या इन ईंट पत्थरों की दीवारों में इतनी क्षमता है जो वृंदावन की महिमा को घटा देगा, ये कभी नहीं घटा सकता है। जैसा वृंदावन पहले था, वैसा वृंदावन आज है, और आगे भी वृंदावन वैसा रहेगा। जितने वृंदावन की महिमा पहले थी, उतनी आज है और आगे भी उतनी महिमा रहेगी। ईंट पत्थरों के मकान और दुकान वृंदावन की महिमा, ब्रज की महिमा को कभी कभी नहीं घटा सकता है, इनमें उतनी क्षमता नहीं है। आज भी उस वृंदावन का दर्शन अनेकों महापुरुषों को उसी दृष्टि में होता है। हमारे बस जो है ना, वो दृष्टि जो है ना ईंट पत्थरों में लगी, इसलिए हमको ईंट पत्थरों का दर्शन होता है। हमारे मन में ही इतने कचड़े भरे हुए हैं कि हमको सब जगह कचड़ा ही दिखता है। नहीं, किसी संत किसी रसिक से पूछो, भैया क्या दिखता है, तो वो कहता है इस प्रत्येक रज में हमको राधा कृष्ण दिखते हैं। बोले रज ही जो श्वेत रज है वो तो हमारी किशोरी जी हैं, और जो महाराज श्याम रज है वो हमारे श्री कृष्ण हैं। उनको तो प्रत्येक रज में राधा कृष्ण का दर्शन होता है, श्यामा श्याम का दर्शन होता है। वो जमुना जी की कैसी भी स्थिति हो, लेकिन महापुरुषों को जमुना जी तो ऐसे लगता है आज श्याम बन करके बह रही है। क्या इन दूषित
जलों में इतनी सामर्थ्य है कि वह परम पवित्र यमुना को दूषित कर देगी, उनके महत्व को खत्म कर देगी, उनकी महिमा को समाप्त कर देगी। अरे नहीं भैया, वो तो केवल हमारी दृष्टि है, हमारे मन में इतना कचड़ा भर चुका है कि वो हमको इस जगह ऐसी दिखता है। आपने एक बार सुना होगा, श्री महाराज जी भोर में एक बार स्नान करने के लिए यमुना जी में गए, केसी घाट में। जब महाराज जी स्नान किए, और लोगों ने स्नान नहीं किया, लेकिन श्री महाराज जी ने जैसे ही स्नान करके बाहर निकले तो वस्त्र महाराज ऐसे सुगंधित, ऐसा लग रहा था जैसा कोई वस्त्रों में श्री महाराज जी के इत्र छिड़क दिया हो। भैया, जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसके ऊपर वैसी वृष्टि होगी। हमको वो नाली दिखेगा, हमको कचरा दिखेगा। अब तुम दृष्टि ही लेकर के ऐसे आए हो तो वृंदावन के बंदर भी तुम्हारी दृष्टि नोच लेंगे, आंखें। हाँ, फिर देते रहो फ्रूटी तुम, ना सोचने वाले वो। वो तो बिहारी जी के बंदर है, वो तो कहते हैं तो दूसरी आंख लगा के यहां देखने आया है। अरे अंदर वाली आंख से देख, बाहर वाले से मत देख, अंदर वाले से देख। हाँ, हमारे ठाकुर जी तो पैदल चले, तू चप्पल पहन के चल रहा है, रुक तेरी चप्पल गायब कर दो। घमंड दिखाता है पैसों का, पर्स भी खत्म कर देते हैं वो, निकाल के दिखा तो एक बार है? ये कृपा करना है। तो पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, तो संसार को जो है ना वह ऐसा समझना चाहिए। एक बात और, सब में परिवर्तन हो सकता है लेकिन वृंदावन में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है, ब्रज में कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। सबने कथा सुनी होगी कि तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, तीर्थराज हैं भैया वो है? तो भाई राजा को सब कोई टैक्स देता है, भाई टैक्स दे दो। सबने भाई सब को देना पड़ेगा टैक्स, नहीं राजा को टैक्स दे दोगे तो बिजली बंद हो जाएगी, तुम्हारे घर की पानी बंद हो जाएगा है? दुकान बंद करा देंगे वो। तो टैक्स तो कर तो तुमको जमा करना ही पड़ता है। उसी प्रकार तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं तो उनको सब कोई कुछ ना कुछ टैक्स तो देता है, सारे सभी टैक्स देते, लेकिन वृंदावन कभी टैक्स देने नहीं जाता, ब्रज कभी टैक्स नहीं देता उनको। अब भाई किसी को राजा नियुक्त किया गया हो तो राजा को दृष्टि सब पे रहती है। उसने भगवान से शिकायत करी और उसने भगवान से कहा कि प्रभु वो सब तो ठीक है लेकिन हमको आपने राजा बनाया, लेकिन ठीक से राजा बनाया नहीं आपने हमको, पद तो दे दिया लेकिन अधिकार इतना नहीं दिया। बोले क्या बात है? बोले हाँ, हमको सभी तीर्थ आते हैं, सभी सब कोई आता है हमको कर देता है। तो बोले बहुत अच्छी, कर तो देना चाहिए, तुम राजा हो तो तुमको सब कोई कर देगा। बोले सब तो कर देते लेकिन एक कर नहीं देता। बोले कौन? बोले वृंदावन कर नहीं देता, ये ब्रज हमको कर नहीं देता, इसलिए हम शिकायत करने आए। भगवान ने कहा अरे भले आदमी तीर्थराज प्रयाग, तुझे तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। वृंदावन ब्रज मेरा घर है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, ये मेरा घर है, यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ मैं निवास करता हूँ, अपने ग्वाल बालों के साथ, अपने गैया के साथ, अपनी गोमाता के साथ मैं यहाँ रहता हूँ, और तुम मेरे घर से ही टैक्स लेगा। तो ये ब्रज जो है ना, ये वृंदावन और ये ब्रज भगवान का घर है, हमारी दृष्टि में वो दिखाई नहीं दे रहा। हमारी दृष्टि में ईंट पत्थर दिखाई देते हैं, हमारी दृष्टि में वह कचरा दिखाई देता है, हमारी दृष्टि में वो यमुना दिखाई नहीं देती, हमारी दृष्टि में वो नाले दिखाई देते हैं। लोग कहने लग गए वो महिमा अब नहीं रही, वो वृंदावन बदल गया, वो वृंदावन अब नहीं रहा जैसा पहला था, जैसे 100 साल पहले था, जैसे 50 साल पहले था, अब महिमा नहीं है। अरे महिमा उसकी नहीं घटी है, ना ही नींव पत्थरों में दम है कि वो ब्रिज की महिमा को घटा दे।
वृंदावन की महिमा ईंट पत्थर नहीं घटा सकते हैं। ब्रज तो जैसा है, जैसा था वैसा आज भी और आगे भी वैसा ही रहेगा। ये तो संसार है, ये तो सरकता रहेगा, कुछ गिरेगा कुछ बनता रहेगा, लेकिन ब्रज की महिमा को नहीं घटा सकता कोई। भगवान की महिमा को कोई घटा पाएगा क्या? कितने भी उल्लू चिल्लाते रहे, हाँ एक दो नहीं हजार लाख उल्लू अगर चिल्लाएं और कहें कि दिन होता ही नहीं, सूर्य कोई है ही नहीं, तो क्या आप स्वीकार कर लेंगे? कोई स्वीकार करेगा इस बात को कि सूर्य नाम का कोई कुछ प्रकाश कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं है, दिन होता ही नहीं है? नहीं, ये झूठी बातें हैं। हजारों नहीं करोड़ों उल्लू मिलकर के चिल्लाएं तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उस उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, उस उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार वो उल्लू हैं जो ब्रज की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। यहां आकर के उनको ईंट पत्थर मकान दुकान दिखाई देता है, उसको नाले दिखाई देते हैं, उसको नालियां दिखाई देते हैं, उसको कचरा दिखाई देता है। ये सब तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है, ये सब तुमने कचरा अपने जो है ना ये अंदर बसा रखा है, इसको पहले निकालो। ये जो दूषित चश्मा लगा रखा है ना, इसको हटाओ। अंदर की दृष्टि से, दिव्य चक्षुओं से, संतों की कृपा से ये मिलेगी, उसको लाओ, तब ब्रज में जाओ, फिर देखो तो अपने आप पता चल जाएगा कि जड़खोर की क्या महिमा है, ब्रज की क्या महिमा है, गैया की क्या महिमा है, तब पता चलेगा। तो पश्यानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम। दादाजी संसार तो ऐसा ही है, इसको क्षण भंगुर, सरकता रहता है, प्रतिक्षण प्रतिपल बदलता रहता है। भगवान बदले कभी ना? आज तक ना बदले, जैसे पहले थे वैसे आज भी बिहारी जी हमारे हैं, राधा रमन लाल जी, राधा दामोदर लाल जी, वैसे ही हमारे गोविंद देव जी आज भी हमारे वैसे ही ठाकुर हैं। हम बदल जाते हैं, हमारा रंग रूप बदल जाता है, लेकिन हमारे घर के ठाकुर कभी ना बदले। वो तो हमारे दादा पर दादा कितने बाप बदल गए, लेकिन हमारे ठाकुर जी वैसे के वैसे हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, एक रस सदा रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं। परिवर्तन तो संसार में है, इसलिए इसको क्षण भंगुर देखना है। पिताजी दुखी नहीं होना चाहिए। पश्या निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम, ये सब तो हो गया बेटा, लेकिन करें क्या, करना क्या है ये तो बताओ, आगे की स्थिति तो क्या किया जाए? भाई आप तो ज्ञान तो दे रहे हैं, बातें तो आप सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन मार्ग को तो दिखाओ, कौन सा मार्ग को पकड़े। गोपुत्र कह रहे हैं, गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, गैया का बेटा ज्ञान देता है तो जल्दी समझ में आता है, वैसे उन महात्मा जी ने ज्ञान दिया तो कम समझ में आया। आज गोपुत्र स्वयं गोकर्ण जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, तो एक ज्ञानी के अंदर भी ज्ञान को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। उनको ज्ञान के बातें तो सब कुछ पता थी, उनको आत्मदेव जी को सब कुछ पता था, लेकिन वो ज्ञान जागृत नहीं हो पाया, वो प्रकाशित नहीं हो पाया, उसके अनुसार वो चल नहीं पाए, उसके अनुसार वो कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि किसी गोपुत्र ने अभी तक ज्ञान नहीं दिया था, किसी गाय के बेटे ने अभी कुछ कहा नहीं था। ज्ञानी को भी ज्ञान देने वाले गोपुत्र गोकर्ण जी महाराज हैं। भैया जैसा हृदय होगा, जैसे हमारे अंदर भावनाएं होंगी, उसी प्रकार वाणी व्यक्ति को लगती है। नहीं, कितना भी आप उपदेश देते रहो नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि वैसा आचरण नहीं, वैसा जीवन नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए। अरे जो गैया मैया के पेट से निकला है उसका कैसा हृदय होगा, जो स्वयं गोपुत्र है। वास्तविक गोपुत्र तो गोकर्ण जी महाराज है, वास्तविक गोपुत्र तो हमारे गोपाल है, वास्तविक गोपुत्र तो हमारे भोलेनाथ है। क्या करें गोकर्ण जी महाराज, क्या करें ये बताइए। पिताजी आपने अभी संसार राग के रसिक हुए तो आपको क्या मिला, कितना दुख मिला आप देख लिए हैं। अब आप वैराग राग रसिक होइए। संसार के रागों को अलापते अलापते तो आप कितने फंस गए बंधन में कि अब आप इन कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। ज्ञानी होते हुए भी आपको समझ में नहीं आई बात,
हाँ, कोई गोपालक, कोई ग्वाला, कोई ग्वालिन जब ज्ञान देती है ना, तो उद्धव जैसे बृहस्पति के शिष्य भी महाराज ज्ञान की गुदड़ी बना लेते हैं। भैया हमारे बस का नहीं है, ये ग्वालिन है, ये गौ सेवा करती हैं, इसलिए बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ज्ञान देने वाले गोपालक होते हैं, गो सेवक होते हैं, गोपुत्र होते हैं। बृहस्पति जी के शिष्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं उद्धव जी महाराज। सब कुछ जानते हुए भी उनके ज्ञान को वृंदावन में क्या किया उन ग्वालिनों ने, बिना पढ़ी लिखी क्या स्थिति हुई उनकी। इसको कहते हैं ग्वालिन, इसको कहते हैं गोपाल, इसको कहते हैं ब्रजवासी। गैया का दूध पीते हैं तो उनको अपने आप ही सारा ज्ञान होता है, गैया की सेवा करते हैं इसलिए वो। अरे बाबा तू का ज्ञान दे रो है, हमें सब पता, कन्हैया हमारो मित्र है, ऐसे कहते हैं। सहज भी उनको ज्ञान हो जाता है, सहज में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल गोपालन कर रहे हैं ब्रजवासी तो उनको अपने आप सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गोपाल भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है, भैया मेरो मित्र है ये। और जो गैया की सेवा करता है ये ब्रजवासी, ये गोपालक, ये गोपाल के जो जितने भी मित्र मंडली है, गैया की सेवा करते हैं इसलिए कन्हैया इनकी बात मानते हैं, इसलिए कन्हैया इनको घोड़ा चढ़ा के घुमाते हैं, इसलिए कन्हैया इनके साथ खाते हैं, इसलिए कन्हैया इनके साथ खेलते हैं, घूमते हैं, इनको घुमाते हैं, इनके लिए सब कुछ करने के लिए भगवान तैयार होते हैं, क्योंकि ये गोपालक हैं, ये ब्रजवासी गैया की सेवा करते हैं इसलिए ऐसा भगवान करते हैं, नहीं भगवान किसी के लिए इतना नहीं किए आज तक। पर ब्रह्म परमात्मा भी नाचने लग जाता है, कहता है बस कोई बात नहीं है, एक चुल्लू पर छाछ दे देना, मैं नाच रहा हूं। वो गोरस के लिए नाचता है, ये बात है, इसलिए वो नाचता है, इसलिए वो घूमता है, इसलिए उनके पीछे पीछे दौड़ता है, इसलिए ब्रह्मा जैसे लोग कहते कि मैं भैया वंदे नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु अभीक्षण सहा, इसलिए ब्रह्मा जैसे भी कहते हैं कि भैया हमको तो यही ठीक है, कुछ भी मिल जाएगा। इसलिए स्वयं मुक्ति कहती है इस ब्रज रज में पड़ी रहूंगी तो काम बन जाएगा, इसलिए भक्ति यहां नृत्य करती है, इसलिए नारद भी यहां घूमते हैं, वीणा लेकर के बजाते हैं। कोई और कारण नहीं है, केवल एक ही कारण है, गैया मैया की सेवा करते हैं ग्वाले, वो ग्वालिनियां गैया की सेवा करती हैं, वो गोपालक हैं और वास्तविक गोपालक हैं, इसलिए भगवान पीछे पीछे इनके घूमते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं चिंता मत करो मैं हूं पीछे से, तुम तो बस लगे रहो बस गोपाल में, तुम तो गोपालन करो, तुम तो गो सेवा करो, तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा, तुमको कोई कष्ट नहीं आने दूंगा, तुम्हारे जीवन में कितने भी संघर्ष आएंगे सबको मैं समाप्त करूंगा, तुमको पता भी नहीं चलने दूंगा। इसलिए भगवान आग को पी गए, इसलिए भगवान दावानल को पी गए, इसलिए भगवान काली नाग को भगा दिया, इसलिए भगवान ने पूतना को मार दिया, इसलिए भगवान अकासुर बकासुर को मार दिया, इसलिए भगवान ब्रज में घूमते हैं, इसलिए भगवान ब्रज में नाचते हैं, इसलिए भगवान ब्रज से जाते नहीं है, इसलिए भगवान कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम् न गच्छति, मैं वृंदावन का त्याग नहीं करूंगा क्योंकि यहां मेरे गोपालक रहते हैं, और कहीं के लिए भगवान ने नहीं कहा। भगवान इसी भारत भूमि में जन्म लेते हैं, इंग्लैंड या अमेरिका में जाकर के जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि भारतवर्ष में गैया की सेवा होती है, इसलिए भगवान यहां पर आते हैं। गैया मैया यहां पर रहती है, धर्म कर्म यहां पर होते हैं, इसलिए भगवान यहां पर आते हैं, बार बार यहां पर जन्म लेते हैं। अन्य किसी देश में जाकर के भगवान ने कहीं जन्म लिया हो तो बताओ, कहीं भी भगवान ने लिया हो सात समुंदर पार, ये बात। इसलिए भगवान छड़ी से डरते हैं, हैं? मैया छड़ी दिखाते तो भगवान भागते हैं, जिसकी एक भ्रुकुटी मार टेढ़ी करने मात्र से ही पूरा ब्रह्मांड महाराज बदल जाता है, नष्ट हो सकता है, वो परब्रह्म परमात्मा एक छोटी सी छड़ी से भाग रहे हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, ये उन गोपालकों को
लीला दिखा रहे हैं भगवान, तुम गैया की सेवा करते हो इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे डोलता हूं। इसलिए उनकी रक्षा के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, इसलिए उनकी रक्षा के लिए द्वारिका बसा देते हैं, समुद्र में भी उनकी रक्षा करते हैं, क्योंकि ये गोपालक हैं। इसलिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। और कोई कारण नहीं है, केवल एक ही कारण है, गैया मैया की जो सेवा करेगा भगवान उसके आगे पीछे डोलते रहेंगे, उसके आगे पीछे घूमते रहेंगे भगवान, सब काम बना देंगे भगवान, केवल गाय की सेवा से। और गाय पर जिसने भी अत्याचार किया उसको छोड़ा नहीं भगवान ने, कोई होए। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को भी नचा दिया, बोले तुम हमारे गैया को लेकर के जाओगे, हमारे ग्वाल वालों को लेकर के यहां से जाओगे, मैं तुम्हारा सिंहासन छुड़ाऊंगा, चिंता मत करो, माफी मांगनी पड़ी। लेकिन भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, ब्रह्मा जी से भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ग्वाल बालों को चुरा के ले गए, बछड़ों को चुरा के ले गए, भगवान भगवान से अलग कर दिया गैया को, भगवान से अलग कर दिया ब्रजवासियों के, जो गैया मैया की सेवा के लिए हैं उनको भगवान से अलग करने वाले ब्रह्मा जी महाराज को भी महाराज कई जन्म लेने पड़े, तब जाकर के भगवान उन पर प्रसन्न हुए। ये प्राण प्यारे भक्त हैं गैया मैया भगवान के, ऐसे नहीं छोड़ देते भगवान। इंद्र ने कितना कोप किया भगवान पे, ब्रजवासियों पर कितना कोप किया, लेकिन भगवान कोई बात नहीं इंद्र ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ भाई हो, ये सब ने 84 कोस की गैया मैया को ब्रजवासियों को मेरे पास एक जगह गोवर्धन में इकट्ठा कर दिया, मैं कहां कहां घूमता इनके लिए, इसने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, सबको एक जगह इकट्ठे कर दिए। 7 दिन तक भगवान उनके साथ रहे, उनके साथ खेले खाए घूमे मौज किए और राज्य उठा रखे हैं, इसलिए भगवान इंद्र पर प्रसन्न हो गए, जाओ जाओ चिंता मत करो, ठीक है मौज करो। गैया के लिए भगवान है। भगवान कृपा करते, बिना गाय के कुछ भी नहीं है। ऐसे ही नहीं कहा वो विश्वस्य मातरा है, ऐसे ही नहीं कहा सबकी जननी है, ऐसे नहीं भगवान को भी प्रकट करने वाली गैया है। भैया परशुराम जैसे को भी महाराज ताकत देने वाली गैया है, जमदग्नि महाराज जी की यहां गैया है, कामधेनु थी। इसलिए बिना गाय के, हम सच्ची बताएं, बिना गाय के आप किसी चीज की परिकल्पना भी मत करना कभी। उच्चता के शिखर पर अगर पहुंचना है तो गैया की सेवा से जुड़ कर रहो, समृद्धि के शिखर पर पहुंचना है तो गैया की सेवा से जुड़ करके रहो, ज्ञान की पराकाष्ठा अगर चाहिए तो गैया की सेवा के जुड़ करके रहो, तब त्याग भी चाहिए तो गैया की सेवा से जुड़ करके रहो। संसार की किसी भी वस्तु सामग्री की भी अगर आपको कल्पना है, आपको चाहिए तो गैया की सेवा से जुड़ करके रहो, सब एक ही जगह मिल जाएगा, दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, सब एक ही जगह पे है। ये कामधेनु है। तो पिताजी पश्चानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। एक निष्ठ हो जाइए, एक ही रास्ते पर चलिए, 10 रास्ते पर भटकिए नहीं, एक दृढ़ हो जाइए, सुदृढ़ता पूर्वक लग जाइए, वैराग राग के रसिक हो जाइए, भक्ति के पथ पर चलिए। किसके पथ पर? भक्ति के पथ पर चलिए। भक्ति के पथ पर चल करके करोगे क्या? बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। धर्म का भजन करना है, धर्म की सेवा करना है, लौकिक धर्मों का त्याग कर देना है। लौकिक धर्म की बात क्यों कही? क्योंकि लौकिक धर्म को भी बाधित करने वाला परम धर्म है। भागवत जी के श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, परम धर्म क्या है? बोले भगवान के चरणों में प्रीति होना ही परम धर्म है। भगवान में
प्रेम होना ही परम धर्म है, धन कमाना, अपने माता पिता की सेवा करना, दुकान मकान चलाना, ये सब भी धर्म है, खाना भी धर्म है, सोना भी धर्म है, लेकिन ये सब लौकिक धर्म है, ये सब लोक के धर्म है। अगर अन्न नहीं खाएंगे तो शरीर नहीं चलेगा, धन नहीं कमाएंगे तो संसार नहीं चलेगा, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ये सब लौकिक धर्म है, ये लोक के धर्म है, यहां के धर्म है, ये सब यहां के धर्मों के अंदर आता है। परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म है भगवान अधोक्षज के चरणों में प्रीति होना है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। ये परम धर्म है भगवान के चरणों में, अधोक्षज के चरणों में प्रीति होना, प्रेम होना। वो भी किस प्रकार का प्रेम? बोले निष्कपट होना चाहिए, निश्चल प्रेम, हेतु रहित प्रेम होना चाहिए भगवान से, उसको परम धर्म कहते हैं। एक धर्म दूसरे धर्म को बाधित कर देता है। आप कहेंगे पिताजी की आज्ञा माना, आज्ञा मानना धर्म है, लेकिन प्रहलाद जी ने अपने पिताजी की आज्ञा नहीं मानी, फिर भी उनका कुछ नहीं बिगड़ा। क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि उन्होंने परम धर्म को अपना लिया है ना, उन्होंने भगवान से प्रेम कर लिया है ना, इसलिए पिताजी भगवान से दूर कर रहे हैं, इसलिए तजेव पिता प्रहलाद। भगवान से दूर कर रही है भरत, भगवान से दूर कर दी मैया ने, तो भरत जी ने वो भी त्याग कर दिया। पति पुत्र आदि भगवान से दूर कर रहे हैं, इसलिए इन ब्रजवासियों ने, इन ग्वालिनियों में तुरंत ही त्याग कर दिया। इस ये लौकिक धर्म को बाधित कर रहा है परम धर्म। जो पावरफुल होगा ना, वो नीचे वाले को दबा के रखेगा। है? जो पावरफुल होगा वो नीचे वाले को दबा देगा, और ऊपर वाले की बात मानी जाएगी, और ऊपर वाले की बात सब कोई मानता है, नहीं मानोगे तो वो दबा देगा फिर तो, है? वो तो फिर ऐसा दबाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने कहा भी था, अगर आपका परिचय आपके मुख्यमंत्री जी से है तो आप अपने शहर के डीएम की बात नहीं मान, आप कलेक्टर की बात नहीं मानोगे, वो कहते घर खाली करोगे तो आप कहोगे ऐसे कैसे खाली कर देंगे, हमारा परिचय मुख्यमंत्री जी से, अब भी मैं बताता हूँ फोन करके, तो आप उसकी बात नहीं, कलेक्टर की बात क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि आप वहां पर जुड़ गए ना, आपकी श्रेणी ऊंची है, आप उस उनसे जुड़े हुए हो। सामान्य व्यक्ति होगा तो जिसका कलेक्टर तक भी परिचय नहीं है, छोटे मोटे लोगों से परिचय हो तो वो उसको दबा के रखेगा। उसी प्रकार लौकिक धर्म परम धर्म को बाधित कर देता है, और यह बात एकदम सच्ची है। भगवान को प्राप्त कर लेना, भगवान में निश्चल निष्कपट प्रेम हो जाना, यही परम धर्म है और यही जीवन की सार्थकता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता इसी में है, विद्वानों की विद्वत्ता इसी में है। जो इस विनाशी शरीर से अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेना, यही शरीर का लक्ष्य है। ये बात तो धर्मम भजस्व की बात है। धर्म का भजन करना अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि धर्म का भजन करें। और धर्म का भजन करने का तात्पर्य अर्थ है सेवा का। धर्मम भजस्व, और व्याकरण के अनुसार भज जो धातु है ना, वो सेवार्थक अर्थ में है, भज सेवायाम कहा जाता है। बिना सेवा के कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, और एकदम सच्ची कहूं धर्म भी प्राप्त नहीं हो सकता है बिना सेवा के। सेवा जब आपके अंदर निश्चल निष्कपट भाव से होगी तो अपने आप ही आप धर्म में अग्रसर हो जाओगे। धर्मम भजस्व सततम, ऐसा भी नहीं है कि एक दिन सेवा करके छुट्टी, सतत भजन करना है भैया, उनका भजन करोगे, सदा सेवा करोगे, गैया मैया की सेवा से लगातार जुड़े रहोगे,
तो आपके जो हृदय में विकार आदि है ना, जो दोष है, वो अपने आप समाप्त तो हो जाएंगे। आपके अंदर शुद्ध वस्तु का जब प्रवेश होगा तो विकार अपने आप समाप्त तो होने लगेगा। अगर आपके लोटे में कचड़ा भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, तो आप उसको नल के नीचे रख दो, टोटी खोल दोगे तो अपने आप थोड़ी देर में वो कचड़ा निकल जाएगा और उसमें शुद्ध जल भर जाएगा। लेकिन आपको उस लोटे को जल के नीचे रखना पड़ेगा, आपको उसमें गिरता रहना चाहिए जल सतत। जब तक नहीं गिरेगा जल, तब तक वह उसका कचड़ा समाप्त नहीं होगा। उसी प्रकार इस हृदय में अगर कचड़ा भर गया है आपके, अगर इस हृदय में आपके काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ईर्षा द्वेष छल कपट का कचड़ा अगर आपके अंदर भर गया है, तो आप सतत सेवा की धार लगा करके रखिए। सतत सेवा करते रहिए, अपने हाथों से सेवा करते रहिए, गैया मैया की सेवा से जुड़े रहेंगे, सतत धारा जाती रहेगी हृदय में, तो अपने आप ये मलिनता समाप्त हो जाएगी, अपने आप ही ये सब निकल जाएगा और आपका हृदय निर्मल हो जाएगा। और आपका हृदय निर्मल हो जाएगा तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल हृदय में ही भगवान आते हैं। निर्मल हृदय तो करना पड़ेगा। गंदे घर में कोई नहीं घुसता, गंदे घर में कोई नहीं जाता। आप हमको अपने घर बुलाओ, बोले महाराज पधारो, ठीक है आ जाएंगे। और जैसे ही हम पहुंचे घर के दरवाजे पर, सारा कचड़ा फेंक रखो तुम, महाराज पधारो घर में, तो हम क्यों आएंगे? हम तो चलो भाई, बहुत जरूरी काम है, हमारा स्वार्थ होगा, बहुत ज़्यादा स्वार्थ होगा तो कोई बात नहीं, चलो नाक बंद करके हम चले ही जाएंगे और थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, बस 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 बस, ठीक है ठीक है, हो गया, अब हम फिर कभी आएंगे। ये सब नाटक क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आपके घर में कचड़ा भरा हुआ है, आप दरवाजे पर ही कचड़ा, आपके दरवाजे पर ही इतनी प्रकार की गंदगी फेंक रखी है, तो कोई अच्छा से अच्छा नहीं, कोई बुरा से बुरा भी व्यक्ति वहाँ नहीं आना चाहता, वहाँ नहीं रहना चाहता। सबको स्वच्छता पसंद है, सबको सफाई पसंद है, सब कोई निर्मल होना चाहता है। यहाँ तक चोर भी चोरी करता है तो बंटवारा कहता है भैया सही तरीके से करना। सबको स्वच्छता पसंद है, सबको निर्मलता पसंद है, उसको भी यह पसंद है। और कचड़ा भर करके रखोगे तो कौन आएगा भैया? ऐसा नहीं कि भगवान नहीं आते होंगे इस दरवाजे तक, आते जरूर होंगे, सोते सोते ही आते हो, लेकिन आते जरूर होंगे। लेकिन वो हृदय में देखते हैं, इसने तो अपने हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ईर्षा द्वेष छल कपट दंभ, इसका हाउस फुल है, तो हम जाएं कहाँ? अब कहाँ हम अड्डा बनाएं अपना इसके घर पे? बुलाता जरूर है कि आप आ जाओ, लेकिन घर में तो दूसरे को घुसा रखा है, तो हम कहाँ आसन लगाए हैं इसके घर में आकर के? अरे भाई, किसी को बुलाए हो तो भाई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, हृदय को साफ करना पड़ेगा, उसकी मलिनता को समाप्त करना पड़ेगा, उसकी स्वच्छता रखनी पड़ेगी। आपको इत्र फुलेल सेंट लगा करके रखना पड़ेगा, महकता हुए घर में सबको ही घुसना चाहता है, सुंदर सुगंधित महाराज अगरबत्ती लगानी पड़ेगी, इत्र फुलेल छिड़कना पड़ेगा, तब उसमें भगवान आएंगे। हृदय को साफ करके नहीं रखोगे तो भगवान की कल्पना मत रखो। आते जरूर होंगे भगवान, क्योंकि आप बुलाते हो, तो भगवान धोखेबाज थोड़ी है, आप बुलाओगे तो आएंगे। महाराज जी कह रहे थे, तुमने दरवाजे पर लिख रखा है बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है, बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है, ऐसा लिखा रहता है, हैं? बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है, तो अगर हम आज्ञा ना माने कोई बात नहीं, हम तो घुस जाएंगे, लेकिन देवी देवता जब आते होंगे, भगवान आते होंगे, तो वो तो आज्ञा पालन है, वो तो आज्ञा पालक हैं, वो तो आज्ञा जरूर मानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति की आज्ञा मानते हैं भगवान। तो भगवान जब दरवाजे पर देखते होंगे कि बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है, तो वो दरवाजे से चले जाते होंगे, भैया अब आज्ञा लेनी पड़ेगी है। हम बात माने चाहे ना माने, हम डिसिप्लिन माने चाहे ना माने, लेकिन भगवान जरूर मानते होंगे इसको, भगवान जरूर स्वीकार करते, दरवाजे तक जरूर आते होंगे। और हमने पहले ही हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है, इसमें और लोगों को घुसा रखा है, तो कैसे जाएंगे वो, कैसे इसमें आएंगे? एक बात, एक भजन की पंक्ति है, पूरी याद नहीं है लेकिन फिर भी कह देता हूं। तूने आंगन नहीं बुहारा, तेरा गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे? तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
देख लो। आप कहेंगे महाराज जी सब बातें तो आप बहुत अच्छी कह रहे हो, यहाँ बैठ के अच्छा भी लग रहा है, सुनने में भी आनंद आ रहा है, बात भी बहुत अच्छी कह रहे हो, लेकिन जैसे ही हम यहाँ से उठ करके जाएंगे ना तो सारा ये ज्ञान की बातें सब नगण्य हो जाएगी, हमको हमारा संसार याद आता है, हमको हमारा काम याद आता है। हम एकदम सच्ची बात आपको कह रहे हैं, हृदय को पवित्र करने के लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप संसार के समस्त कामों को करते हुए अपने हृदय को पवित्र करते रहो। आप कहेंगे कैसे करें हम? श्री महाराज जी कितनी बार कहते हैं कि आप कोई भी काम करो, कुछ भी करते रहो, आप बिजनेस करो, अपनी नौकरी करो, अपने धंधा करो, अपना घर में रोटी बनाओ, चूल्हा बर्तन करो, कुछ भी करो, लेकिन नाम का स्मरण करो, नाम को भूलो मत। आप कहेंगे महाराज काम करते हैं तो नाम भूल ही जाता है, जब हम काम में लगते हैं तो नाम भूल ही जाता है। ए? देखो आज हमारे बाबा श्री जय नारायण दास जी एक भजन सुना रहे थे कि उसका भजन याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका है कि वो एक अपने जो है ना सर पर घड़ा रख रखी है, और वो आपने देखा होगा एक छोटी सी बच्ची होती है, और वो प्रायः रोडों में देखो तो उन खेल दिखाने वाली बच्चियां आती हैं और अपने सर पर घड़ा बहुत सारा, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा, दूसरे घड़े के ऊपर तीसरा, चौथा, ऐसा बहुत सारे घड़ा रख लेती हैं और रस्सी पर चलती है, रस्सी पर वो चलती रहती है। तो उसका मन, वो सूरत जो है ना, उसका जो स्मरण है ना, वो घड़े पर रहता है, वो घड़े पर रहती है। इस प्रकार से आप कुछ भी कार्य करो, कुछ भी करो, लेकिन भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम जप करो। आप कहेंगे कैसे करें, तो हम सच्ची बताएं, आप कोई भी अपना काम कर रहे हो, घर का कोई भी काम कर रहे हो, तो वाणी से नाम लो। आप वाणी से केवल नाम जप करते रहो, रसोई बनाते रहो तो भी नाम जप करते रहो, बिजनेस कर रहे हो तो भैया बिजनेस से साइन तो करनी है तो हाथ से करनी है, फैक्ट्री देखनी है तो नेत्रों से देखना है, मकान दुकान चलानी है तो सब ये तो शरीर से चलाना है। फुर्सत नहीं है, अरे घर से लेकर के ऑफिस तक जाने में कुछ तो समय लगता होगा, 10-5 मिनट 15 मिनट, लोग फैक्ट्रियां अपने शहर से दूर बनाते हैं तो कम से कम 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तो लगता होगा उनको समय। हम ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं तो कुछ तो समय आटा लगाने में, कुछ तो समय बेलने में, कुछ तो समय सेकने में लगता होगा। ठाकुर जी के घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कुछ तो समय ये तो सब शरीर से कर रहे हैं ना, ना कि मुख से कर रहे हैं आप कोई काम। झाड़ू कोई मुख से थोड़ी लगाता है, पोछा कोई मुख से थोड़ी लगाता है, गाड़ी कोई मुख से थोड़ी चलाता है, सब तो शरीर के क्रम में है। आपका मनोमस्तिष्क तो ठीक है ना, आपकी जीवा तो डोल सकती है ना, जीवा से नाम जप तो कर सकते हैं ना। बड़े बूढ़े लोगों को देखा है, वो प्रातः काल अपने बड़े बूढ़े लोग होते हैं घर के दरवाजे पर झाड़ू लगाते रहते सुबह सुबह भोर में ही। युवा लोग कहते हैं इन बूढ़े लोगों को कोई काम नहीं, सुबह से जग जाते हैं, और वो झाड़ू पोछा भी करते हैं, कोई काम करते हैं तो उनको सूरत जो है ना उनके भगवान में लगी रहती है। कुछ प्रचलित भजन है उनको गाते रहते हैं लोग, जो मन में बस जाता है ऐसे भजनों को लोग गाने लग जाते हैं, राम भजो राम भजो राम भजो का ही चिंतन करते रखते हैं, उनके मन में सहज ही वो सब चलता रहता है। और एकदम ये बात सच्ची है, आप कर्मा दिए, संसार का काम है आपको करना है, बिजनेस पानी चलाना है, रोटी बनानी है, सब कुछ करो, लेकिन भगवान का सतत स्मरण करते रहो। भगवान का स्मरण करते रहोगे तो काम बनता रहेगा, संसार का भी काम बनता रहेगा और भगवत भजन भी बनता रहेगा सहज में। आप एकदम सच्ची सच्ची बात है, अगर
घर को पवित्र कर रहे हो तो जिस घर को पवित्र कर रहे हो कोई संत आएंगे, कोई कोई व्यक्ति आएगा, घर को स्वच्छता और पवित्रता पूर्वक जब इस ऐसे घर को पवित्रता देखेगा, स्वच्छ घर देखेगा, तो वो जरूर बैठना चाहेगा, उसमें आना चाहेगा, उसमें बार बार जाना चाहेगा। कोई भी संत जब पवित्र घर देखता है, स्वच्छता देखता है, तो उस घर में बार बार जाना चाहता है, वहाँ पर रहना चाहता है, वहाँ के महाराज कुछ वस्तु सामग्री ठाकुर जी के भोग पदार्थों को पाना चाहता है, क्योंकि वो घर की पवित्रता देखता है, वो घर की स्थितियां परिस्थितियां देखता है कि ये घर इसका साफ स्वच्छ है भैया, तो चलो इन्हीं घर में चलना है, हमने तो अहमदाबाद जाना है तो यहीं जाना है, रंग वाले टावर में हमारा तो पक्का है, तो ये सहज होता है क्योंकि मन में अपने आप ही रहता है कि नहीं भैया वहीं चलना है और कहीं नहीं जाना है। ये बात मन में आती क्यों? क्योंकि उस घर के पवित्रता, उस घर के लोगों के भाव देखता है ना, वहां तो कहा ही जाता है कि आप आते क्यों नहीं है, इतने दिन हो बीत गए हैं। ये भाव जो होता है ना, ये पवित्रता, ये सहज होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर पवित्रता दिखती है संतों को, वहां पर भाव दिखता है संतों को, नहीं तो रखे रहो अपने रबड़ी मालपुआ, महाराज भगवान स्वीकार नहीं करते, दुर्योधन के यहाँ नहीं खाया, उनको तो भाव दिखा, विदुर जी के यहाँ तो बोले झोपड़ी में ठीक है, मजे से रहेंगे अपने। लेकिन वो एक क्रम है, उसके लिए पवित्रता का होना अत्यंत जरूरी है। घर की पवित्रता झाड़ू लगाते कर रहे हो तो हृदय की भी पवित्रता उसी समय करने लग जाओ। घर को तो पवित्र कर रहे हो, संत जन पधारेंगे, लेकिन संत जन के बाणियों का लाभ तब मिलेगा जब हृदय वाला कचड़ा निकाल के रखोगे, तो इसको बाहर करोगे तब तो संत जन के बाणी का लाभ ले पाओगे, तब तो भगवान उस हृदय में प्रविष्ट होंगे, तब तो भगवान वहां पर जाएंगे। उसके लिए करना क्या है? झाड़ू लगाओ, और झाड़ू लगाते हुए क्या करना है हम आपको बताते हैं, झाड़ू लगाते हुए क्या करना है, बोले झाड़ू लगाते हुए भजन करना है, झाड़ू लगाते हुए भजन करते रहना है। आप जब बाहर की पवित्रता देख लोगे ना, तो अपने आप हृदय की पवित्रता मन से नाम जप करो, भगवान को बुलाओ, भगवान को पुकारो उस वक्त, संतों को बुलाओ उस वक्त। अरे कुछ नहीं आता तो राम राम करना तो आता है, ऐसे पुकारो भगवान को, सब वाणी भगवान, सब भाषा भगवान जानते हैं, उनको किसी भी भाषा में, किसी भी वाणी में कैसे भी उनको पुकारो तो वो आते हैं। उनको बुलाने के बहुत सारे तरीके हैं, हम तो सही कहें झाड़ू लगाओ घर पे, और झाड़ू लगाओ तो भजन गाते रहो, और उनसे कहो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के आना जरूर, चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी ऐसे बुलाना पड़ेगा, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, तुम राम रूप में साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। देखो इस तरह बुलाना पड़ेगा आपको, उनको बुलाओगे तब आएंगे, ए बिना बुलाए तो हम नहीं जाते हैं तो वो कैसे आएंगे हमारे घर, बिना बुलाए हम नहीं जाते किसी के, हमको भी महाराज न्योता भेजना पड़ेगा, हाँ कितने भी
रिश्तेदार हो बिना नेवता के, आजकल सबको घमंड होता है, तो सोचो जो भगवान है उनको कितना घमंड होगा, बिना बुलाए वो नहीं जाते किसी के यहाँ। हाँ उनके यहाँ जा सकते हैं जिनके घर गैया होती है, उनके यहाँ बिना बुलाए दूध पीने जाएंगे, उनके यहाँ बिना बुलाए जाएंगे, कुछ तो दिखना पड़ेगा। तो ये जो कर्म है ना, जो कभी राम बन के आप बुला रहे हैं ना, ये कहाँ बुला रहे हैं, अपने हृदय में बुला रहे हैं उनको। तो घर को पवित्र कर रहे हैं झाड़ू लगा करके, तो हृदय पवित्र करो नाम लेकर के। इस तरह आपको करना पड़ेगा और आपको कहना पड़ेगा, तुम श्याम रूप में आना, 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 राधा साथ ले के बंसी हाथ ले के चले आना, प्रभु चले आना, राधा साथ लेके बंसी हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले हृदय में नहीं आएंगी ना, ये स्थिति हमको लानी पड़ेगी। बिना इस स्थिति के भगवान हमारे हृदय में नहीं आ सकते हैं। हमको सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने बाहर की पवित्रता का ध्यान रखें। हमको बाहर की पवित्रता की जरूरत है। महाराज श्री के द्वारा सुना हुआ है कि देवोभूता देवम यजेत, देवता बन करके देवता की पूजा की जाती है, इसलिए पार्थिव पूजन होता है। तो सबसे पहले विनियोग आदि न्यास आदि स्वयं के शरीर में अपने आप को करना पड़ता है, न्यास आदि करके उन देवी देवताओं को अपने अपने अंगों में बैठाना पड़ता है। ये न्यास की प्रक्रिया है। पहले हमारे अंदर देवत्व होना चाहिए, पहले हमारे अंदर। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में शुद्ध वस्त्र पहन करके, तिलक लगा करके, चोटी बांध करके, यज्ञोपवीत पवित्रता पूर्वक धारण करके, संध्या वंदन आदि करके ही अनुष्ठान में प्रविष्ट होते हैं व्यक्ति। प्राश्चित आदि कर्म करके, गोदान आदि करके ही, पंचकव्य प्राशन आदि करके ही उसको अनुष्ठान में बैठाया जाता है। उसके अंदर देवत्व की, पहले वो अपने अंदर देवत्व लाए, तब उस देवता के पास जाने की क्षमता होनी चाहिए। और उसके पास तो कुछ नहीं, हो भगवान के सामने खड़ा हो जाएगा तो भगवान उसको दिखेंगे भी नहीं। और एकदम एकदम सच्ची बात यह है कि देवत्व अगर अपने अंदर लाना है, अगर अपने अंदर देवत्व को प्रविष्ट करना है, अगर अपने अंदर देवत्व लाना है, तो गो पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा आपको। बिना गाय के पदार्थ के सेवन के आप कहीं से कहीं तक पवित्र नहीं हो सकते हैं, आपके अंदर देवत्व नहीं आ सकता है। आप जब तक पंचकव्य प्राशन आदि नहीं करेंगे, तब तक आप अनुष्ठान कर्म के करने के अधिकारी नहीं है। आपको प्राश्चित के रूप में गोदान करना पड़ेगा, आपको हृदय के पाप को निकालने के लिए पंचकव्य प्राशन करना पड़ेगा, आपको शुद्ध वस्त्र धारण करने पड़ेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है गैया मैया की सेवा। हमारे यहाँ शास्त्रों में पंचकव्य प्राशन के लिए यत्तोगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राशनात् पंचकव्यस्य दहत्तिक निर्वेंधनम। बिना पंचकव्य प्राशन के आप अधिकारी नहीं है, चाहे वह आचार्य हो चाहे वह यजमान हो। यज्ञ के संविधाओं में पंचकव्य का प्रोक्षण करना पड़ेगा, यज्ञ भूमि को गैया के गोबर से लीपना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप यज्ञ के कर्म करने के अधिकारी होंगे। यज्ञ के वस्तुओं को पवित्र करने वाली भी गौ माता है, उन यज्ञी सामग्री में आपको पंचकव्य का प्रोक्षण करना ही पड़ेगा। यज्ञ भूमि को गैया के गोबर से लीपना ही पड़ेगा आपको। ये बात, सब कुछ पूरा होगा तो गैया से पूरा होगा, बातें बना लो आप चाहे जितनी। हाँ देवत्व की स्थापना अगर कर सकती है तो केवल गो माता कर सकती है हमारे अंदर। अरे गैया को हृदय में बैठाओगे तो कुछ तो चाहिए, भगवान को हृदय में बैठाओगे तो कुछ तो चाहिए तुम्हारे अंदर।
उन भगवान को बैठाने की भी क्षमता उसी में होती है जो गैया की सेवा करता है। गाय के पदार्थों का सेवन करने वाला ही मजबूत होगा। भक्ति करने वाला भी वही होगा जो गैया मैया की सेवा करेगा। तो आवश्यकता है हृदय की पवित्रता की बात। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। धर्म का भजन करना पड़ेगा। भजन की बात सेवा से है। महाराज जी कहते हैं जो भज धातु ही है वो सेवार्थक अर्थ में है। भज सेवाया, वो तात्पर्यार्थ ही केवल है। धर्म भी सेवा से प्राप्त होगा। और एकदम सच्ची बात है, सनातन धर्म को अगर जानना है, वैदिक सनातन धर्म को जानना है, तो केवल सेवा से आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके तत्व को जान सकते हैं। केवल सेवा से आप नहीं सनातन धर्म को कुछ भी नहीं जान पाएंगे आप। आज हम कोसों दूर है सनातन धर्म से, क्योंकि हम गैया की सेवा से दूर हैं। मूल है गावो विप्राश्च वेदैश्च सती भी सत्यवाद भी अलुब्धैर दान शीलैश्च सप्तभिर धार्यते मही। एक मूल ही गाय है, वहां पर सब कुछ धारण करने वाली गाय है, बिना इसके कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म को जानना है तो आपको गैया से जुड़ना पड़ेगा। इसकी संस्कृति को जानना है तो भी गैया से जुड़ना पड़ेगा। सनातन धर्म के संस्कारों को जानना है तो भी गैया से जुड़ना पड़ेगा आपको। कोई भी संस्कार में अगर सनातन धर्म के संस्कार भी करना है तो बिना गाय के कोई संस्कार नहीं हो सकता है। कोई भी 16 संस्कार में कोई भी ऐसा संस्कार नहीं है जो बिना गैया के पूर्ण होता हो। बिना गैया के कोई एक भी संस्कार नहीं है। तो सनातनी तो वही है, सनातन कहनाने का अधिकारी वही है। वैदिक सनातन धर्म उसी के अंदर प्रतिष्ठित हो सकता है जो गैया की सेवा करता है। बिना गाय के अगर वो कहता है कि मैं सनातन धर्मी हूं, या मैं सनातन धर्म के सभी कर्मों को करता हूं, या मेरे अंदर 16 संस्कार प्रतिष्ठित हो चुके हैं, या मेरे 16 संस्कार हो चुके हैं, तो बिना गाय के ये नामुमकिन है, असंभव है। कोई भी संस्कार, कुछ भी संस्कार अगर करोगे तो उसमें गाय की आवश्यकता होगी। चाहे तो गर्भाधान हो, चाहे तो पुंसवन हो, चाहे तो सीमंतोन्नयन हो, चाहे तो नालद छेदन हो, चाहे तो मुंडन हो, चाहे तो कर्ण छेदन हो, चाहे विद्यारंभ हो, चाहे तो यज्ञोपवीत हो, चाहे तो समावर्तन हो, चाहे तो विवाह हो, चाहे तो अंत्येष्टि हो, अरे कुछ भी करना है तो बिना गाय के असंभव है। हम अपने को सनातनी तभी कहला सकते हैं जब हम गैया से जुड़े रहेंगे। बिना गाय के आप कितने भी, हम सच्ची कहें, आप कितने भी भक्ति में लग जाओ, बिना गाय के आप वहां तक नहीं पहुंच सकते हो। गोपाल की सेवा में भी आपको गैया की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान की सेवा में गैया की आवश्यकता अवश्य ही पड़ेगी। फिर तो यही होगा, भगवान के सामने आप खिलौने की गाय रखोगे। प्रत्यक्ष में गाय की तो सेवा कर नहीं सकते आप, तो कार्टून बना करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो। कार्टून से भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले, आपको प्रत्यक्ष गैया की सेवा करनी पड़ेगी। आपको आप कार्टून के बना करके रखोगे तो आपको भी भगवान कार्टून जैसे घुमाएंगे। फिर गैया की सेवा के लिए आप बिना गैया की सेवा के भगवान से कोसों नहीं करोड़ों कोसों दूर हो जाएंगे आप, ये समझ लीजिए। और एकदम सच्ची बात है, कोई भी धर्मानुष्ठान यज्ञानुष्ठान पूजा पाठ कुछ भी करा लो, बिना गाय के वो फलीभूत नहीं हो सकता है। कितने भी वैदिक मंत्र उच्चारण करा जाओ, कितने भी वेद वेदांत का पाठ करा लो, लेकिन बिना गाय के कुछ भी नहीं हो सकता है। और एकदम सच्ची बात है, बिना गाय के सेवा के पितरों की भी मुक्ति नहीं हो सकती है। कोई भी धर्मानुष्ठान करा लो, एक दो नहीं 10-20 हजार लाख करा लो, फिर भी बिना गाय के कुछ भी नहीं होने वाला है। उसमें गव्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी, ये जरूरी है। आप कुछ भी करोगे तो आपको दान में गोदान करना पड़ेगा। भैंस दान नहीं होगा, बकरी दान नहीं होगा, कुत्ता दान नहीं होगा,
गैया का दान करने से ही काम बनेगा। कितनी भी बातें आप बनाते चले जाओ, कितनी बड़ी आप फैक्ट्री या दुकान मकान इकट्ठे करके रख लो, लेकिन बिना गाय के आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एक दिन नीचे आना पड़ेगा। कुछ भी करके देख लो आप, अगर गाय से आप नहीं जुड़े हैं तो महाराज श्री कितनी बातें कहते हैं कि आज गाय की उपेक्षा है तो इतने नीचे स्तर पर हम गिरे हुए हैं। बिना गाय के आप समृद्धि, अरे हम व्यक्ति नहीं, हम तो देश की भी समृद्धि की बात करें तो बिना गाय के नहीं हो सकती। बिना गाय के कुछ भी नहीं है। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवा करनी पड़ेगी, धर्म की सेवा करनी पड़ेगी। और धर्म केवल एकमात्र गैया है, और धर्मराज तो स्वयं भागवत जी में बैल के रूप में धर्मराज है, क्योंकि स्वयं धर्मराज हैं। तो धर्म को भी अगर आपको जानना है तो आपको गैया की सेवा में लगना पड़ेगा, गाय की सेवा करनी पड़ेगी। तप त्याग दान, ये जो धर्म के जो चरण है ना, ये चार चरण है इनमें सब में, इनको भी आपको कुछ भी करना है तो तप चाहिए तो भी गैया की सेवा, त्याग चाहिए तो भी गैया की सेवा, दान भी करना है तो गैया की सेवा, कुछ भी करना है तो बिना गैया की सेवा की नहीं हो सकता। सही बताएं तो धर्म की लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है, गाय में ही सबकी व्याख्या है, एक गाय में ही सबकी व्याख्या है। भगवान पृथ्वी जी महाराज ने गाय से ही सब कुछ प्रकट किया है, सब कुछ प्रकट कर दिया गैया मैया से, एक गाय में सब कुछ प्रतिष्ठित है। आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सच्ची कहें तो आपको भगवान की भी जी हजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गैया की सेवा करो बस। भगवान स्वयं हाजिरी लगाने आ जाएंगे कि भैया गैया की सेवा कर रहा है, हमारी मैया की सेवा कर रहा है, हमारे इष्ट की सेवा कर रहा है, तो चलो हम चलते हैं, इसकी व्यवस्था करते हैं। महाराज अम्बरीश के राज्य में गैया की सेवा होती है, इसलिए भगवान पंखा लेकर के चल रहे हैं, चिंता मत कर तू मौज कर, हम है ना सब। इसलिए बिना गाय के आप किसी चीज की कल्पना मत करो। मैंने कल भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूं, जितना जरूरी हमारे लिए अन्य कार्य हैं, उसी प्रकार हमारे लिए गैया की सेवा जरूरी है। हमसे कुछ भी नहीं बन पड़ रहा है, हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हम गैया के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम घर की एक रोटी तो दे ही सकते हैं गैया के नाम पर, एक रोटी तो गैया को दे ही सकते हैं, कुछ अंश में कुछ तो गैया के लिए धन निकाल सकते हैं, कुछ तो गैया के नाम पर हम गौशालाओं में दान कर सकते हैं, अपने घर के उत्सव महोत्सवों को गौशाला में मना तो सकते हैं, और कुछ नहीं सकते कर सकते हैं तो गैया को जाके प्रणाम तो कर सकते हैं, उनके जाकर के उनके शरीर पर हाथ तो फेर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है यहां पर। हमारे हृदय में गाय की प्रतिष्ठा होना अत्यंत जरूरी है। बापूजी का वाक्य एकदम सुंदर वाक्य है कि गाय को, हमारे लिए गाय प्रिय होना चाहिए। हम अपने प्रिय के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, हम अपने प्रिय के लिए जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार होते हैं, हम अपने प्रिय के लिए लड़ने के लिए तैयार होते हैं, हम अपने प्रिय के लिए सार सर्वस्व समाप्त करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम अपने प्रिय को नहीं छोड़ना चाहते। गैया हमको प्रिय होना चाहिए, रामकृष्ण हमको प्रिय होना चाहिए, सदगुरु हमको प्रिय होना चाहिए। श्री बाराघाट वाले महाराज जी कहते ना, गैया लगे मोहि प्यारी, जग पालन हारी
गई या लगे है? तो ये प्रिय होना अत्यंत जरूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं। हमको गाय प्रिय होनी चाहिए, और जिस दिन हमको गाय प्रिय हो जाएगी ना, अभी तो हमको हमको मकान दुकान प्रिय लगता है, अभी तो हमारा पुत्र हमको प्रिय लगता है, अभी तो हमारी पत्नी हमको प्रिय लगती है, अभी तो हमारा धन संपत्ति हमको प्रिय लगता है, तो उसके प्रति कितनी ममता हमारे अंदर होती है। उसके लिए हम कुछ भी अगर हमारे बेटे को हो गया तुरंत रोना आ गया, हमको थोड़ी सी भी संपत्ति हमारी चली गई तो हमको दुख हो जाता है, उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या नहीं उद्यम करते हैं। उसी प्रकार गैया हमको प्रिय लगने लग जाए, गाय हमको प्रिय लगने लग जाएगी, तो उसके ऊपर कोई भी कष्ट आएगा तो हम अपना सब कुछ लगा करके उसको बचाना चाहेंगे, अपना तन मन धन प्राण लगा करके भी हम गैया की सेवा करना चाहेंगे, क्योंकि हमको प्रिय लगनी चाहिए। इसलिए गाय हमको प्रिय लगनी चाहिए। और सच्ची बताऊं, अब ब्रिज के ठाकुर को प्रसन्न करना है तो आपको गैया की सेवा करनी पड़ेगी। चाहे तो बिहारी जी हो, चाहे तो राधा रमन लाल हो, चाहे तो राधा दामोदर लाल हो, और चाहे तो गोविंद देव जी हो, चाहे तो श्रीनाथ जी हो, और चाहे तो हमारे राम जी क्यों ना हो, इनको प्रसन्न करना है तो गैया की सेवा करनी पड़ेगी। और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए तो गैया की सेवा करनी ही पड़ेगी। ब्रिसभान बाबा के यहां गैया की सेवा होती है, इसलिए किशोरी जी उनके घर गई है, इसलिए उनको किशोरी जी प्राप्त हुई है। तो धर्मम भजस्व सततम तज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। जो हमारे अंदर काम आदि विकार है ना, इनका त्याग करना पड़ेगा, तृष्णाओं का त्याग करना पड़ेगा हमको, इन तृष्णाओं का त्याग। अरे भैया, और तृष्णा इतनी व्याप गई है महाराज कि जब एक हुए तो दस होते हैं, दस हुए तो सौ की इच्छा है, सौ पाकर भी यह सोच हुआ सहस्त्र हो तो अच्छा है। सब इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी संतोष नहीं पाती, ये ऐसी डाइन तृष्णा है। और जब तलक हृदय में तृष्णा है तब तलक प्रकाश नहीं होगा, हाँ आयु नाश हो जाएगी पर तृष्णा का नाश नहीं होगा। तृष्णा हमारे अंदर से निकल जाए इसके लिए हमको सेवा करनी पड़ेगी, निश्चल निष्कपट भाव से हमको सेवा करनी पड़ेगी, अपने आप तृष्णा चली जाएगी। जो हम अपने अंदर संसार की चाह को बसा रखे हैं ना, हमने अपने अंदर जो है ना संसार की वस्तु सामग्री की चाह बसा करके रखे हैं, ऐसी चाह रखते हैं, संसार की वस्तुओं की कामना रखते हैं, कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। और एक बात सही बताएं आपको, वास्तविक एक सूक्ति है, त्यागात शांतिरनंतरम, बहुत शांति मिलती है त्याग से है? तो ये चाह जो है ना हमको कहां से कहां तक पहुंचा देती है, ये चाह किस प्रकार से हमको पहुंचा देती, किस स्थिति में पहुंचा देती है, इसको पूज्य श्री राजेश्वरन जी अपने एक उसमें कहते हैं, उनकी वाणी में है कि चाह व्यक्ति कहां से कहां ले जाती है व्यक्ति। वो कहते हैं, बोले चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह पैसों से आनों में आने लगी, चाह आनों से रुपया बनाने लगी, चाह रुपयों से नोटों में जाने लगी, चाह नोटों से कोठी बनाने लगी, चाह कोठी में मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह क्या क्या न करती कराने लगी, और चाह पीली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने वो रसीले हुए, और दुनिया में हमें क्या चाहिए, अगर ये चाहे तो फिर क्या चाहिए। ये जो चाह की बात है ना, इसीलिए तो हमारे यहां कहा गया ना, चाह गई चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई साहंसा। ये संत जन महाराज एक लंगोटी में रहते फिर भी मस्त हैं, हमारे पास तो मकान दुकान सब है, बढ़िया छत है, बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग वाला घर है, मकान दुकान सब बढ़िया है, फिर भी हमारे अंदर एक चाह घुसी हुई है,
इसके बाद ये हो जाए, इसके बाद ये हो जाए, इसके बाद ये हो जाए, इसके बाद ये हो जाए। एक चाह का कांटा महाराज ये ऐसा घुसता है। भागवत व्यास पूज्य श्री पाराशर जी महाराज कहते हैं, बोले ये चाह का कांटा ऐसा घुस जाता है, ऐसा घुसता है, वो बार बार एक कांटा घुसता है, दूसरा एक निकलता है, दूसरा घुस जाता है। बस प्रभु अब की बार परीक्षा में पास कर दो। कोरोना आ गया, बिना पढ़े पास हो गया। वो तो सब ठीक है प्रभु, अब की बार अब तो पास भी हो चुके हैं, बढ़िया। एक अच्छी सी नौकरी दिला दो भगवान ने, बढ़िया। एक देखो, एक एक चाह निकल गई ना, पढ़ाई वाली चाह खत्म हो गई, दूसरी वाली चाह घुस गई, कौन सी बोली नौकरी वाली, नौकरी वाली चाह हो गई उसकी। भगवान ने कृपा करी, एक चाह और समाप्त कर दी। भैया चल कोई बात नहीं, तुझे तेरी नौकरी दिलवा देता हूँ। अब नौकरी की चाह समाप्त हो गई, भैया वो तो सब ठीक है। भगवान जी एक एक कांटा और चुभो लिया चाह का, बोले कौन सा, बोले एक बढ़िया मकान बन जाए। अब नौकरी आ गई तो मकान की कांटा घुसेड़ लिया उसने, एक चाह उसकी मकान का, फिर दूसरी चाह मकान बन गया। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन गर्मी है थोड़ी, एक एसी लग जाए तो मकान का कांटा निकल करके चाह का कांटा निकला, एसी वाला कांटा घुस गया। भगवान ने कृपा करी, एसी भी लग गई, वो सब तो ठीक कर दिया भगवान जी ने। लेकिन ऐसा है, वो तो सब ठीक है, मकान भी बन गया, जमीन भी मिल गई, सब कुछ हो गया है, पढ़ाई भी हो गई है, लेकिन अब जो है ना एक गाड़ी हो जाए, क्योंकि घर से ऑफिस बहुत दूर है, तो अब गाड़ी का कांटा घुस गया चाह, तो उसके भी भगवान ने कृपा करी, एक गाड़ी भी आ गई। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन अब बहुत घर में मेहनत पड़ने, रोटी भी अपने से बनानी पड़ती है, सब कुछ, ब्याह हो जाए तो एक ब्याह का कांटा उसने लगा लिया अपने, चाह उसकी हो गई, वो भी ठाकुर जी ने कृपा करी, वो भी तुम्हारी समाप्त हो गई। अब ठाकुर जी सब तो ठीक है, लेकिन एक बेटा और हो जाए। एक घुसता गया, एक निकलता गया, घुसता गया। ये जो कांटा है ना, ये तृष्णा है, ये चाह है ना, इसको समाप्त करना पड़ेगा। और इसको समाप्त करने का तरीका केवल एक ही है, गैया मैया की सेवा से जुड़ो, सारे कांटे अपने आप निकल जाएंगे और आप निर्विकार हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे, अपने आप ही संतुष्ट हो जाओगे, अपने आप ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कांटा घुसेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही कृपा करने लग जाएगी गौ माता। सो सेवस्व साधु पुरुषान जय काम तृष्णाम, ये कामनाओं की पूर्ति गैया कर देगी। इसलिए करना क्या, बोले अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, बोले किसी के गुण दोष का भी चिंतन ना करो, गुण दोष का चिंतन नहीं करना है किसी के। अरे भैया ठीक है, हम भाई दोष का किसी का चिंतन ना करें, ये तो जानते हैं कि दोष का चिंतन नहीं करें, लेकिन किसी के गुण का चिंतन क्यों ना करें, ये बात यहां पर बहुत जरूरी है। ये एक पॉइंट की बात है कि किसी के गुण का चिंतन क्यों ना करें, हम तो गुण का चिंतन करते हैं, है? कि स्वामी जी ऐसे हैं, है? बहुत अच्छे स्वामी जी हैं, बहुत बढ़िया स्वामी जी हैं, उनके गुण का चिंतन करते हैं। तो गुण का चिंतन करें, ये व्यक्ति बहुत अच्छे भैया, ये तो बहुत बढ़िया है, बड़ी बहुत बड़ा नाम है इनका, बहुत हम इनके गुण का चिंतन, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत बहुत विद्वान हैं, इनके गुण का चिंतन क्यों करना है। देखो भाई, किसी के गुण का चिंतन करेंगे तो वो बंधन का कारण हो जाएगा, और गुण का चिंतन करोगे तो स्वाभाविक उसमें आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति बंधन का कारण, और बंधन हो जाएगा तो फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम होगा। इसलिए किसी के गुण का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। भगवान के गुणों का चिंतन करते करते ही तो रुक्मणी कह रही है, सत जन्म भी स्यात, चाहे सौ जन्म सौ बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन विवाह करूंगी तुम ही से करूंगी। ये गुण का चिंतन ही तो है। शंकर जी के गुणों का चिंतन करते करते इतनी पार्वती जी कह रही है, बरहू शंभु न तू रहा हूं, कुमारी आप ही चाहिए। ये उनके गुण का चिंतन करते करते तो ही है। तो संसार के व्यक्तियों का गुणों का चिंतन ही आसक्ति का कारण है, और आसक्ति बंधन का कारण है। इसलिए अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दोष का चिंतन करने से हमारे अंदर दोष आएगा, इसलिए किसी के दोष और गुण दोनों का चिंतन नहीं करना चाहिए। क्या करना है तो क्या करें, फिर
फिर यही बात गोपुत्र श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। फिर वहीं पर बात आकर के अटक गई, एक ही बात कही, बोले सबसे पहली बात सेवा की बात, फिर कथा की बात कही, बिना सेवा के हृदय में पवित्रता नहीं आएगी, बिना सेवा के हृदय में पवित्रता नहीं आ सकती है, हृदय निर्मल नहीं हो सकता है, और निर्मल हृदय में फिर, और अगर आपके अंदर सेवा नहीं है और हृदय निर्मल नहीं है तो कथा नहीं बैठेगी, चाहे आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे रहो कुछ भी पूर्ति नहीं हो सकती है। उसी प्रकार सेवा के बाद जो कथा सुनाए, जो सेवा के साथ कथा श्रवण करने को मिलती है ना, उससे बुद्धि पवित्र हो जाती है, हृदय अपने आप निर्मल होने लग जाता है। तो सेवा के साथ में कथा है। और एक बात और, एक दो दिन सेवा नहीं करनी है, एक दो दिन जो है ना आपको कथा नहीं सुनना है, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम है, धीरे धीरे लग जाओ, सब सनई सनई करो, एक ही बार में दवा पी लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको थोड़ी थोड़ी औषधि लेनी पड़ेगी, जितना वैद्य जी ने कहा है उतनी औषधि लीजिए। आप सोचोगे नहीं क्या रोज रोज इसको करना, एक ही दिन में पूरी पी जाते हैं, तो फिर वो अपच हो जाएगी और बीमारी बढ़ा देगी। इसलिए जितना वैद्य जी ने कहा है उतनी ही औषधि का प्रयोग करना है, और कहा है कि कुपथ का त्याग करना, खटाई मिर्च मसाला आदि मत खाना, तब काम बनेगा, तब ये औषधि काम करेगी। उसी प्रकार सेवा करोगे हृदय निर्मल होगा, निर्मल हृदय से कथा सुनना, लेकिन किसी भी दुष्ट दुर्जन व्यक्ति का उस समय संग मत करना, नहीं तो कथा काम नहीं करेगी। फिर तो कितना भी सुनो कोई कथा नहीं काम करती, हजारों लाखों लोग काम, अरे एकदम गोकर्ण जी महाराज की ही बात है, धुंधकारी प्रेत बन करके सुन रहा है, एक बार में ही जैसे ही कथा सुनी तो धुंधकारी की मुक्ति हो गई, गांव वालों की मुक्ति नहीं हुई। क्यों मुक्ति नहीं हो गई? भगवान के पार्षद कहते श्रवणस्य विभेदे न फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवणम तो कृतम सर्वई न तथा मननम कृतम, वहां सुना तो सबने है लेकिन इस प्रयत्न ने सुन करके और हृदयंगम किया, उसके अनुसार आचरण करने लगा तो उसका काम बन गया। ये सब जो है ना, सुने तो इधर से और निकाल इधर से दिए, अंदर ले ही नहीं गए, और जब उठ करके जाने लगे तो कपड़ा और झाड़ गए, कहीं चिपक ना जाए कथा, तो वो काम नहीं करेगी फिर तो। उसके लिए तो आपको हृदय को निर्मल करना पड़ेगा, आपको कथा को हृदयंगम करना पड़ेगा, जो आपको कथा में सत महापुरुष गुरुजन संतजन जो आपको सुनाते हैं उसके अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा, आपको उसके अनुसार आपको जीवन जीना पड़ेगा, आपको वो कर्म करना पड़ेगा। आपको तो बस क्लास में पढ़ाई करा दी गई है, आपको तैयार तो अपने घर में समय देना पड़ेगा आपको। आप सोचो कि भैया अब कोई एक श्रुत हो, एक ही बार सुनने में सब याद हो जाए तो उसकी बात अलग है। कोई कोई ऐसे भी महापुरुष होते हैं जो एक बार सत्संग सुन लिया उनको याद हो जाता है सब कुछ, लेकिन हमारे जैसे कथा को हमारा सुनाते जाओ तब कहीं जाकर कुछ थोड़ा बहुत आता है। तो इसलिए हमारे यहां बार बार पीने के लिए कही गई है कथा की बात, बार बार भी मुहुर रहो रसिका भूमि भाव का, बार बार पीने की बात, मुहुर मुहु बार बार पियो, बार 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 कथा सुनो। जैसे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए हमारे अंदर ललक बनी रहती है ना, एक बार दर्शन किए तो दोबारा भाग करके दर्शन करना चाहते हो, फिर दर्शन किए तो फिर प्यास बढ़ जाती है, नहीं अब की बार फिर दर्शन करने चलेंगे, फिर सोचते हो सावन का महीना आ गया अब की बार अक्षय तृतीया में भागेंगे, फिर उसके बाद हरियाली तीज पर भागेंगे, फिर अब की बार महाराज सावन का तो एक भी झूला बिहारी जी का देखा ही नहीं, फिर दौड़ने का प्रयास करेंगे। ये ललक है, ये प्यास है उनके दर्शन की। और जब ऐसी प्यास जब बढ़ती है ना, उसी प्रकार भगवान की कथा की जब प्यास हो जाती है, सत्संग की प्यास हमारे अंदर बढ़ने लग जाएगी ना, तो आप समझ लो काम बन रहा है, आपको अच्छा वाला मिल रहा है। और एक बात, पीने वाले की जल्दी उतरती भी नहीं है, बहुत समय लगता है, लेकिन अब वो और उठपटांग चीजें खाएगा तो उतर जाएगी है?
इसलिए कथा पीने के बाद, कथा सुनने के बाद अन्य चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। आपने तो सुंदर सुस्वादु सद्गुरुदेव भगवान के अमृतमय वचन जब पी लिए तो संसार की बातों को पीना नहीं चाहिए फिर आपको। अगर आप संसार की बातों को पियोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हैं? नशा उतारने के लिए तो महाराज फिर और चीज़ें, कुछ उठपटांग चीज़ें खानी पड़ेगी तो उतर जाएगी। उसी प्रकार भगवान की अगर कथा पी ली है तो फिर आप किसी का फिर और अन्य चीज़ों का कुछ मत पियो, केवल भगवान की कथा पियो। भगवान की कथा केवल पीते जाओ। और सही बताएं, और एक बार ये टेढ़ी टांग वाला घुस जाए अंदर, एक बार केवल। एक भक्त कहते हैं, एक ही बार यदि वह पकड़ लेगा तुझे, एक ही बार यदि वह पकड़ लेगा तुझे, छोड़ नहीं सकता कदापि तार डालेगा। कैसे? बोले, बरछी समान दृष्टि तिरछी चलावे श्याम, जन्म जन्मार्जित के पाप पुण्य जार डालेगा। पथिक न जाना वृंदाटवी, पथिक न जाना वृंदाटवी, वहां रूप ठग हांसी के फांसी गले डाल मार डालेगा। जिसने एक बार अंगूर को चख लिया है वो नींबू चखना नहीं चाहता है। जिसने एक बार भगवान की रसामृत सुधामृत कथा को एक बार चख लिया ना और उसका स्वाद मिल गया ना, तो फिर वह दूसरा स्वाद लेना भी नहीं चाहता। एक बार उसके स्वाद का चस्का लग जाए बस, फिर तो और उसको कोई स्वाद नहीं चाहिए, बस यही वाला चाहिए। भैया हमको तो यही वाला जूस पसंद है, हम यही वाला पीते हैं और हमको कोई नहीं पसंद है। अरे दूसरा वाला नहीं, नहीं हमको कुछ और नहीं चाहिए, हमको तो हमारा श्याम ही चाहिए, हमको तो हमारा राम ही पसंद है, हमको अन्य कुछ चाहिए ही नहीं। ये भावना, इस रस में डूब जाओ, बस इतनी सी बात है। इस रस में डूब करके देखो, इसके रस में एक बार डूब जाओ। इस रस के रसिक बन जाओ। संसार के रसिक बन करके पिताजी आपने देखा, आपको दुख ही दुख मिला। एक बार वैराग्य के राग के रसिक हो जाइए, एक बार इस रस में चले तो जाइए, एक बार इस रस को चख के तो देखिए। एक बार काली कामर वाले का रंग तो चढ़ा करके देखिए अपने ऊपर, दूजो रंग चढ़ेगा ना है, दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं है। ये हटात बलात् कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा, हाँ बाकी सब ग्रहों की शांति है, कृष्ण ग्रह की शांति नहीं है। कितनों अनुष्ठान कर लो, एक बार बस घुस जाए बस, फिर झाड़ा मारने से भी ये जाने वाला नहीं है, आंख बंद करने से भी जाने वाला नहीं है। ये टेढ़ी टांग वाला है, और टेढ़ा व्यक्ति जब घुसता है ना महाराज, ना ना ना, इनका तो महाराज चलना भी टेढ़ा है। जब चलते हैं तो महाराज एक पैर इधर एक पैर इधर रखते हैं। इनकी तो कमर भी टेढ़ी है, इनकी तो गर्दन भी टेढ़ी है, और ये खड़े भी होते हैं। इनसे कहो भैया खड़े हो जाओ तो खड़े भी महाराज ये टेढ़े तरीके से होते हैं। हाँ ये सब कुछ इनका टेढ़ा है। हाँ और टेढ़े व्यक्ति को महाराज टेढ़े व्यक्ति से बच के रहना चाहिए। हाँ टेढ़े व्यक्ति से बच के रहना बहुत जरूरी होता है। एक देखो सीधे हमारे राम जी कैसे सीधे साधे हैं, बड़े सील संकोच में रहते हैं, कहीं कुछ कहते नहीं, कहीं शांत एकदम आराम से।
और ये टेढ़े महाराज जब मथुरा में जाते हैं ना, जब मथुरा की गलियों में प्रवेश करते हैं ना, तो अट्टालिकाओं पर मथुरा की ग्वालिनें चढ़ चढ़ करके, वहां की महारानियां चढ़ चढ़ करके इनको देखती है, अरे 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 ये देखो देखो देखो, इसी ने बकासुर मारा, इसी ने पूतना को मारा। राम जी तो कुछ नहीं देखते थे, वो तो नीचे सर करके, और ये महाराज ये तुरंत ही अपनी आंखें, कौन मेरा नाम ले रहा है। महाराज रहस्य है, उसके होश अपने आप ठंडे पड़ जाते। ये तो इनकी करामात है। तो एक इनके रसिक बन करके देखो, एक बार इनके प्रेम में पग करके देखो। कहते ना एक बार वृंदावन आकर के तो देखो, एक ही बार के लिए कहा, दोबारा के लिए नहीं कहा कभी है। एक बार वृंदावन आकर के देख लो। भगवान भी तो यही बात कहते हैं, सक्रदेव प्रपन्नाया, एक ही बार करना है तुमको जो करना है, एक ही बार कहना है तुमको, हे नाथ मैं आपका हूं। भगवान सब एक ही बार कहते हैं, रामो दिव्य नभासते, एक ही बार कहते हैं जो कहते हैं ये। इनका कहना भी एक बार ही होता है, किसी को जो कुछ भी कहा एक ही बार कहा, दोबारा नहीं कहते किसी को कुछ भी। और एक ही बार में ये इतना काम बना देते हैं, केवल एक एक बार, एक बार। और एक सही बात बताएं आपको, हम एकदम सच्ची बात, बिना कहे ये किसी की नहीं सुनते हैं। हाँ, बिना कहे किसी की नहीं सुनते हैं ये। आप कहोगे नहीं तो ये सुनेंगे नहीं। अरे इनकी छोड़े, अपने बाप की नहीं सुनते हैं बिना कहे ये, अपने बाप की भी नहीं सुनते हैं ये। नंद बाबा को अजगर ने पांव पकड़ लिया, सारे ब्रजवासी ग्वाल माल डंडे से उसको पीट रहे हैं, कन्हैया जा नहीं रहा। अरे लाला चल तेरे बाबा के पांव पकड़ लिए। बोले पांव पकड़ लिए तो हम क्या करें। अरे चले अपने पिताजी को तो बचा। बोले पिताजी ने बुलाया नहीं बचाने के लिए, तो कैसे जाएं हम। और जब नंद बाबा ने कहे कन्हैया मुझे बचा ले, तो बोले बस पिताजी अब आपका काम तमाम, आप चिंता मत करो, आप छूट गए। एक बार आपको कहना पड़ेगा, एक बार आपको उनकी ओर जाना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, एक बार तो कहना पड़ेगा, श्री कृष्ण तुम मेरे हो, हे श्री कृष्ण मैं आपका हूं, श्री कृष्ण तवास्मी, श्री राम तवास्मी, ये कहना पड़ेगा आपको। बिना कहे ना सुनना है वो भगवान आपकी। आपको जरूर कहना पड़ेगा कि हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। बिना कहे किसी की नहीं सुने वो, तो हमारी भी ना सुने। और एक बात और, इसलिए गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से यही बात कह रहे हैं, सेवा कथा रस मोह नित राम पिबत्तम। जब तक हम सेवा और कथा का पान नहीं करेंगे, सतत पान नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर कुछ नहीं आने वाला है, हमारे अंदर कुछ मिलने वाला भी नहीं है बिना इसके। हमने जब तक संग किया नहीं है ना, जब तक हमने संतों को वाणी को सुना नहीं है ना, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन आ भी नहीं सकता है। हम सही बताएं एकदम, सेवा से वही जुड़ता है जो संतों का संग करता है, जो सत्संग सुनता है। बिना सत्संग के कोई भी सेवा से नहीं जुड़ सकता है। ठाकुर जी कृपा करें, इसलिए हम सबको अत्यंत जरूरी है कि हम सब सत्संग से जुड़े, किसी सत महापुरुष के वाणी का लाभ लें और उनके वाणी को अपने जीवन में अपनाएं, वैसा हम जीवन जीने लग जाएं, हम वैसा करने लग जाएं। बहुत सारी बातें सत महापुरुष बताते हैं, हमको केवल उनकी एक वाणी एक वाक्य को मान करके भी अगर अपना जीवन जीने लग गए तो हमारा काम बन जाएगा। केवल एक वाक्य जीवन में परिवर्तन ला देता है,
एक वाक्य केवल हमारे जीवन को बदल देता है, आमूल जीवन में एक वाक्य हमारे परिवर्तन दे देता है। एक नाम गुरुदेव भगवान दे देते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। एक ऐसी युक्ति बता देते हैं कि हमारा जीवन बदल जाता है। एक ऐसी हमारे अंदर दृढ़ता भर देते हैं कि हमारा जीवन बदल जाता है। महाराज श्री कहते हैं कोई भी एक जीवन में संकल्प लेना, एक टेक होना, विनय पत्रिका के पद में महाराज जी ने कहा कि एक टेक हमारे जीवन में होना अत्यंत जरूरी है। बिना टेक के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक टेक हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम बिना गौ सेवा के, बिना गौदान के, बिना गौ ग्रास निकाले हम कोई कर्म नहीं करेंगे, हम एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये टेक हमारे जीवन में बन जाए। आप एकदम हंसी में मत लीजिए, एकदम सच्ची बात है। सावन का महीना चल रहा है, वह बैजू भगत भगवान को भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हो गया। वैद्यनाथ आ गए, वो कैसे ग्वाला गायों को चराता, मस्त जंगल में घूमता था। रोज नित्य प्रति गांव से बाहर नदी को पार करके ले जाकर के जंगलों में अपने गायों को, अपने बछड़ों को चराता था। लेकिन संत ने कृपा कर दी उसके ऊपर, भैया गौ सेवा तो तुम बड़े करते हो लेकिन कुछ सेवा पूजा करो। कर बोले महाराज, हम तो गांव के ग्वाले, बिना पढ़े लिखे हमसे क्या सेवा बनेगी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमसे तो कुछ बन नहीं सकते हैं। संत ने कहा एक टेक ले ले जीवन में। बोले कोई टेक नहीं हुआ हमारे जीवन में, ना हम कुछ कर सकते हैं, हमारा तो हृदय ही ऐसा नहीं है। हम तो अपने गैया मैया की सेवा करना जाने, हम तो अपने इनकी ही सेवा करना जानते हैं, बस हमारे जीवन में यही सेवा है, यही सब कुछ है, अब क्या करें हम। संत उस पर रीझ गए, बोले कोई बात नहीं, ऐसा करिए भगवान शंकर जी का मंदिर है और रोज दो लाठी इन पे दिया कर, ये तो कर सकता है। बोले महाराज ग्वाले हैं, पीट तो सकते हैं इनको, हाँ दे देंगे। संत उस पे रीझे, भगवान की कृपा हुई, बोले ठीक है रोजाना मारना दो लाठी समय से। उसने कहा ठीक है इतना तो कर दूंगा, रोज जंगल में गैया चराने आता हूं, बछड़े चराना आता हूं, इनकी सेवा करता हूं। तुम्हें तो बोले एक ध्यान रखना, बिना खाए हुए अन्न का ग्रहण करने से पहले दो लाठी इन पे देना है नित्य प्रति समय से। बोले ठीक है दे दूंगा। लगातार ये क्रम उसका चलता रहा, टेक जीवन में हो गई ना कि भगवान देना है इनको दो। आज प्रातः काल से ही वर्षा होने लगी, भयंकर बाढ़ आ गई नदी में, ऐसे बाढ़ आ गई। आज गैया लेकर के ये जंगल में गए नहीं बैजू, आज ये बैजू भगत कैसे जाए, इतनी बरसात हो गई जंगल में, बाढ़ आ गई महाराज, नदियां बढ़ गई। घर में जैसे ही प्रसाद पाने को उद्यत हुआ उसके बाद उसको याद आया कि आज टेक तो पूरी नहीं हुई, आज तो उनपे दिया नहीं, आज ये टेक पूरी नहीं हुई। बोले रुको मैं अभी आता हूं, और लाठी लेकर के और उस बरसात में, घनघोर वर्षा में भी नदी को पार करके जैसे उस पार जंगल में भगवान का मंदिर जहां पर वो नित्य प्रति सेवा करता था, वहां दो लाठी जैसे ही लगाए भगवान शंकर वहां पर प्रकट। भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए, बोले प्रभु आपने तो बड़ी कृपा करी। बोले तेरी टेक है ना, इसलिए मेरी भी टेक है, जो नित्य प्रति मेरा भजन पूजन, मेरी गैया मैया की सेवा, नंदीश्वर की सेवा करेगा, मैं उससे क्यों ना प्रसन्न हूं, चाहे तो वो दो लाठी मुझे मारे ही क्यों ना। यहां पर ये बात है, उसके जीवन में टेक है। इसी प्रकार महाराज जी कहते हैं हमारे जीवन में जगन्नाथ जी के प्रसाद के प्रति टेक हो जाए। बिना जगन्नाथ जी के प्रसाद लिए हम कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, बिना ब्रजरज लिए हम कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, बिना संत चरणोदक लिए हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, बिना हम अपने गुरुदेव भगवान का चरणामृत लिए कुछ भी नहीं ग्रहण करेंगे। हमारे जीवन में कोई एक टेक हो जाए, हम बिना अपना भजन की अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, हम बिना अपने ठाकुर की सेवा की अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे जीवन में कोई एक टेक हो जाए, हम अपना माला जप किए बिना अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तो टेक पूरी भगवान करते हैं। कितनी भी कथाएं आप सबने सुनी होंगे महाराज जी से, बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी आप सबने, प्राणपण से प्राण को भी लगा करके अपने टेक को पूरी करनी चाहिए। कितने भक्तों ने अपने जीवन की बातें, टेक की बातें सुनाई है, तो हमारे जीवन में एक टेक हो जाए। तभी तो भागवत जी के छठे स्कंध में ही इस बात कही कि सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम हेलनमेव वैकुंठ नाम ग्रहण नशे साग हरम परम। कोई गाली भी भगवान को देगा तो भी उसका काम बनेगा, लेकिन नियम से गाली देगा तो
चाहे वो शिशुपाल ही क्यों ना हो, नियम से 99 गाली देता था, भगवान कह रहे 100 से पार होगा तेरा काम बना दूंगा। ये नियम था 99 गाली का, भगवान ने 100 गाली के लिए कहा था। जिस दिन 100 पूरा किया भगवान ने उसका काम पूरा कर दिया। ये टेक होनी जरूरी है उसके जीवन में। एक सच्ची बात, रावण के जीवन में भी टेक है, वो अपने कुल खानदान का उद्धार करना चाहता है। भगवान भी कह रहे हैं हम ऐसे शत्रुता किसी को मारेंगे नहीं, इसलिए लीलाएं होने लगी, किशोरी जी का हरण होना लगा। तो वहां उनकी टेक, तो यहां इनकी टेक, सब छोड़ करके लंका पहुंच करके दिया प्रसाद ही उनको। एक टेक होनी चाहिए। गुरु जी ने टेक दे दी सबरी को, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करना, बस यहां पड़े रह, राम जी आएंगे, भगवान जी आएंगे, दर्शन यहीं पर होगा, टेक तेरी है तो यहीं पर रहना, जाना नहीं आश्रम को छोड़ करके। मतंग जी महाराज ने कह दिया था तुझे टेक है, यहीं पर रहना, यहीं पर मिलेंगे तुझे भगवान, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। एक टेक जीवन में मिल जाए गुरुदेव भगवान के द्वारा, उसका प्राणपन से पालन करना चाहिए बस। जीवन में गौ सेवा की टेक मिल जाए, बस गौ सेवा करना है और कुछ नहीं करना है। इसके टेक हो जाए हमारे जीवन में, इसके सिवा कुछ भी नहीं करना है। कुछ भी हो जाए गौ सेवा करनी ही करनी है, गौ ग्रास निकाल करके ही अन्न ग्रहण करना है, गौ माता के लिए बिना दान दिए एक भी अन्न ग्रहण नहीं करना है। रोज का नियम बना लो कि गैया के लिए 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया रोजाना निकाले बिना अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, बिना गैया को एक रोटी दिए हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। हमारे जीवन में टेक होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की टेक होती है कि हम वृंदावन महीने में जरूर जाएंगे, हम 15 दिन में अमावस्या पूर्णिमा पर हम जरूर जाएंगे, हम गिरिराज जी की परिक्रमा जरूर देंगे, हम बिहारी जी का दर्शन जरूर करेंगे, हम जमुना जी जरूर स्नान करेंगे। ये जीवन में टेक एक होती है व्यक्ति के, वो टेक को पूरी भगवान करते हैं। और आपका टेक ही शिथिल पड़ जाए तो फिर गड़बड़ा जाता है, तब तो भगवान कहते कच्चा है अभी। इसलिए जो संत सद्गुरुदेव पक्के हैं ना, उनके साथ रहना चाहिए, कच्चे के साथ नहीं खेलना चाहिए। पक्के के साथ खेलोगे तो पक्के ही बनोगे। महाराज जी कहते हैं पक्का होना जो चाहे, पक्का होना जो चाहे तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेल के खली मिले न तेल। कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए पक्के के साथ रहो। पक्का बनना है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के साथ रहो, अपने आप कंपाउंडर से डॉक्टर बन जाओगे, डिग्री हो चाहे ना हो लेकिन इंजेक्शन लगाना तो सीख ही जाओगे। हाँ, डॉक्टर के साथ रहने वाला भी डॉक्टर, वो इंजेक्शन और पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी वो बता देगा अच्छा ये वाली दवा खा लो देखो ठीक हो जाएगा। बीड़ी पीने वाले के साथ रहोगे आज नहीं तो कल बीड़ी पीना सिखा ही देगा। अपने आप सब कुछ आ जाएगा, वो संग करना है तो पक्का होना है ना। भक्त बनना है तो किसी भक्त के साथ रहना पड़ेगा, विद्वान बनना है तो विद्वान के साथ रहना पड़ेगा, गौ सेवक बनना है तो गैया के साथ रहना पड़ेगा। आपको गैया का, गैया के साथ में हमको जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, तब हम गौ सेवक कहलाएंगे, गौ पालक कहलाएंगे। हाँ, अनेक प्रकार के हथकंडे सीखने हैं तो उन लोगों के पास रहना पड़ेगा, नेतागिरी करना है तो नेताजी के पास रहने पड़ेगा, चोरी करना सीखे हैं तो चोरी चोर के पास रहना पड़ेगा भाई, फ्रॉड करना सीखना है तो फ्रॉड लोगों के पास रहना पड़ेगा, संगीत सीखना है तो तुमको तो संग करना पड़ेगा दिनेश जी का, कितना भी करो, स्वर से गाना है ताल से गाना है तो पवन जी के साथ में रहना पड़ेगा आपको, कितना भी प्रयास करो आपको रहना ही पड़ेगा। और प्रभाव यह होता है कि पक्के हैं तो अपने आप काम बनना चला जा रहा है, है? तो पक्का सिखा ही देता है महाराज अपने आप। अब कच्चे लोगों के साथ रहोगे तो गड़बड़ होगा, इसलिए तो हमारे यहां जो है ना
डिग्री लेने के बाद भी महाराज कहा जाता है कुछ दिन इसको ऐसे ही कुछ दिन रखो इनको किसी असिस्टेंट के पास, बढ़िया सीख ले, बढ़िया किसी बढ़िया व्यक्ति के साथ में रखो इनको। हाँ, तो कुछ दिन तक वो बैग उठाता है बेचारा, हैं, फिर उसके बाद उस दूसरे से उठवाता है। ये सब सहज है, आपने बनना क्या है, आपको निर्धारित करना है, आपको पहले से निर्धारित करना। तो ये टेक जीवन में होनी चाहिए, आपको करना क्या है। आपको अगर कुछ सीखना है तो उसके अनुसार जीवन जीना पड़ेगा, ये करके देखना पड़ेगा आपको। बिना तो, और एक बात सही बताएं, बिना प्रैक्टिकल की आप सीख भी नहीं सकते हैं कुछ भी, आपको प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा। आपको ये वाली परीक्षा तो देनी पड़ेगी, बिना परीक्षा के हमको पता भी नहीं चलता है कि हम कितना पढ़े हुए हैं, कितना हमको आता है, हैं? जब संग मिलता है तो अपने आप ही सब पता चल जाता है कि नहीं नहीं हमारी तैयारी ठीक चल रही है। वो तो जरूरी है, उसमें बहुत जरूरी है। किन्हीं ऐसे व्यक्ति का हमने संग किया, किन्हीं ऐसे व्यक्ति का हमने सत्संग जीवन में किया इसलिए हमको माला घुमाना आने लगा, किसी ऐसे व्यक्ति का हमने संग किया जो कीर्तन ही करते थे इसलिए हमारे जीवन में कीर्तन आ गया है, किसी ऐसे सेवा वाले व्यक्ति के जो गौ सेवा करता है उसका हमने संग किया इसलिए हमारे जीवन में भी गौ सेवा आई है, किसी ऐसे तपस्वी का संग किया इसलिए हमारे जीवन में तप आया है, किसी ऐसे त्यागी व्यक्ति का जीवन में संग किया इसलिए हमारे जीवन में त्याग आया है, और किसी ऐसे भोजन भट्ट का हमने सेवा किया इसलिए हमको भोजन करना आने गया है। ये सहज है, आपने जैसे व्यक्ति का संग किया वो अपने आप वो आपको आएगा। ज्यादा खाने वाले के साथ रहोगे तो आपको भी सब, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत तुम एवं सुतोक्ति वसतो गृहम विहाय या तो दिनम मतर गति षष्ठी वर्षा। श्री आत्मदेव जी महाराज को गोपालक श्री गोकर्ण जी महाराज ने जो ज्ञान दिया वह ज्ञान उनको 60 वर्ष के बाद भी उनको ज्ञान जागृत हो गया। वैसे तो गत षष्ठी वर्षा लिखा है कि मतलब वो सठिया गए थे, क्या हो गए थे, सठिया गए थे। हाँ, जिसने बचपन में भजन नहीं किया है, जिसने बचपन में भजन नहीं किया है वो बचपन में भजन बिल्कुल नहीं करेगा। सपना मत देखे कि हम बाद में करेंगे, बचपन वाला अगर भजन नहीं है, बचपन का भजन नहीं है तो उसके जीवन में बचपन में भजन नहीं होगा, दूर तक नहीं होगा, क्योंकि उसने 55 साल तक तो संसार को भरा है, संसार को प्रतिष्ठित कर रखा है, संसार के विकारों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर रखा है, तो कहां से भजन में मन लगेगा। और जिसके जीवन में बचपन में भजन है उसका बचपन में भजन सहज हो जाएगा। इसलिए वहां जीवन 60 वर्ष का तो है, लेकिन 60 वर्ष तक के जीवन में महाराज द्वितीय भास्कर स्रौत स्मार्त कर्म निष्णा तो है, उनके जीवन में सब कुछ है, बस थोड़ा सा किसी भक्त का संग नहीं मिला, किसी गौपुत्र का संग नहीं मिला, किसी गोकर्ण जैसे भक्त का संग नहीं मिला। आज चिंगारी लगा दी गोकर्ण जी महाराज ने, पिताजी के सारे ज्ञान को आज जागृत कर दिया। लो पिताजी, ज्ञान को अपने प्रकाशित करो। अभी आप दबा के रखे थे ना, स्रौत स्मार्त कर्म निष्णा तो द्वितीय भास्कर सब कुछ जानते हुए ज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं, करोड़ों सूर्यों के समान उनके अंदर क्षमता है, सब कुछ विराजमान है, लेकिन कोई जागृत करने वाला नहीं आया, कोई ज्ञान मार्ग दिखाने वाला नहीं। ज्ञान तो है लेकिन किसी ने आग लगाई नहीं अभी उस ज्ञान में प्रकाश कर देवे। पढ़ तो सब रखा है लेकिन उसके अनुसार जीवन जिया नहीं। आता है तो सारे सूत्र हैं लेकिन उसको घटा नहीं पाया अभी तक मैं। याद है हमको सब कुछ, हाँ सब कुछ, वृद्ध राधे से लेकर के रित कह तक याद है हमको, लेकिन याद तो है लेकिन घटाना नहीं आया आज तक हमको कि घटाएं कहां भाई इसको। क्यों, किसी ने अब याद तो सब, पढ़ तो सब कुछ लिया हमने, लेकिन अभी किसी ने उसमें आग नहीं लगाई, किसी ने उसके अर्थ को बताया नहीं, उसको समझाया नहीं है हमको अभी तक में। आज गोकर्ण जी एक गोपुत्र ने, एक गोपालक ने, एक गो सेवक ने, जो स्वयं गोपुत्र है, जो स्वयं गोवत्स है, आज उसने आग लगा ही दी। 60 वर्षों में भी आग लगा दी तो आज भी उसको ज्ञान प्रकट हो गया,
वो ज्ञान, अब वो रिते ज्ञानन मुक्ति का मार्ग पता चला उसको। इतने गत षष्ठी वर्षा 60 वर्षों के होने के बाद भी बुद्धि कुंठित नहीं हुई है, क्योंकि ज्ञानी है, अपने कर्मों में निष्णात हैं, इसलिए आज उनका ज्ञान, एक गोपुत्र ने ज्ञान दे दिया, चल पड़े मार्ग पर, बता दिया कुछ नहीं, बस केवल एक ही काम करिए, नियतम दशमस्य पाठात। पिताजी भागवत के 10 लक्षणों वाले भागवत जी का पाठ करो या भागवत के दशम स्कंध का पाठ करो, काम बन जाएगा। और यही हुआ, एक गोपुत्र, एक गोपालक, एक गोसेवक, एक गोवत्स की वाणी सुनकर के जैसे ही आत्मदेव जी चल पड़े, उनका कल्याण हो गया। गोकर्ण जी महाराज की वाणी का प्रयोग जो है ना, धुंधली के जीवन में कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसने सत्संग किया ही नहीं, वो तो केवल प्रपंचों में लगी रही ना, वो तो केवल एकमात्र वह भटकती रही, उसने कभी गोकर्ण जी महाराज का आश्रय नहीं लिया। गैया मैया का आश्रय ना लेने वाले का यही हाल होता है, अंधेरे में जाके कुएं में गिरता है। और एक बात, आज कोई नहीं है, आत्मदेव जी चले गए जंगल में, धुंधली भी चली गई, गोकर्ण जी धुंधकारी दो ही बचे हैं। गोकर्ण जी के पास में रहने वाला है धुंधकारी, एक ही घर में दोनों रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी धुंधकारी के जीवन में परिवर्तन नहीं है, क्योंकि उसने गोकर्ण जी को सामान्य मान रखा है, क्या है कुछ नहीं। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, हम सत महापुरुषों का संग करने के बाद में उनमें हम सामान्य बुद्धि रखते हैं, तो हमारे जीवन में कल्याण नहीं होता है, हमारा कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी सामान्य बुद्धि हो गई है। तुलसी में, गौ माता में, पीपल वृक्ष में, गुरुदेव भगवान में सामान्य बुद्धि रखना, संतों में सामान्य बुद्धि रखना, ये तो सब बदन के कारण है, इनसे काम नहीं बन सकता है, आपको उनमें भगवत बुद्धि रखनी पड़ेगी। और जैसे ही आप भगवत बुद्धि रखेंगे, आपका काम बन जाएगा। अभी धुंधकारी के समझ में नहीं आया कि ये कैसे हैं, इनके अंदर कितना बल है, इनकी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, अभी समझ में नहीं आया। मर करके जब प्रेत बना, तब उसके समझ में आया कि मेरा भाई कैसा है, तब उसके समझ में आया कि मेरा कल्याण कर सकते हैं, तब उनके समझ में आया, उस धुंधकारी प्रेत के समझ में आया कि मेरा भाई मेरा उद्धार कर सकते हैं। और एकदम ये सच्ची बात है, गैया मैया उद्धार कर सकती है, गोपालक उद्धार कर सकते हैं, गोवत्स अवश्य उद्धार कर सकते हैं, गैया का जो पुत्र है वह हमारा उद्धार अवश्य कर सकता है। आज गोकर्ण जी महाराज प्रेत कह रहा है, धुंधकारी प्रेत के रूप में प्रविष्ट, प्रेत के रूप में है, माम उद्धर दयानिधे, भैया गोकर्ण मेरा उद्धार करो करो, वाताहारेण जीवामि, मैं केवल वायु पी करके ऐसे तड़प रहा हूं, मेरा जीवन तो ऐसा हो गया है जैसे एक व्यक्ति को हजारों लाखों सुई चुभो दी जाए, जिस प्रकार से व्यक्ति तड़पता है उस प्रकार से मैं तड़प रहा हूं, मैं पीना चाहता हूं लेकिन मैं पी नहीं पा रहा हूं, प्यासा तड़प रहा हूं, भूखा मर रहा हूं, जल रहा हूं मैं। ये जीवन में आ गया उसके, लेकिन कह किससे रहे हैं, एक गोपुत्र से कह रहे हैं, गोकर्ण जी महाराज से कह रहे हैं। और वास्तविक गोवत्स में तो दया होती है, गोकर्ण जी महाराज को दया आ गई, एक दुष्ट आत्मा पर भी दया करने वाले गोपुत्र हैं, गोपालक हैं, गोवत्स हैं, एक दुष्ट आत्मा को भी उसके ऊपर कृपा कर दी, चिंता मत करो धुंधकारी, तुम्हारा कल्याण होगा। भैया मैं ऐसा पापी हूं कि मेरे कर्मों की संख्या नहीं है, कर्मणो नास्ति संख्या, मैंने इतने सारे पाप किए हैं, मैंने इतने सारे पाप कर्म किए हैं, पापादि कर्म किए हैं कि मेरे उद्धार होने में मुझे भी भय लग रहा है, मेरा उद्धार होगा कि भी नहीं होगा, मैं इस योनि से मुक्त होना चाहता हूं,
मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं तड़प रहा हूं, मैं प्यासा मर रहा हूं, मैं भूखा मर रहा हूं, मैं जल रहा हूं, मैं अपने पापादि कर्मों के कारण मैं बोल नहीं पा रहा हूं। ये तो आपको देख करके, आप जैसे तपस्वी गोवत्स को, गोपालक को देख करके मेरे अंदर कुछ बोलने की क्षमता जागृत हुई। गोपालक का हृदय कैसा होता है, गोकृष्ण जी महाराज का हृदय कैसा है, ऐसे पापी के ऊपर भी कहते हैं कि उपाय देखेंगे। प्रातःकाल होते ही सारे लोगों से पूछते हैं, भैया क्या हुआ, कैसे हुआ, बहुत सारी बातें पूछी, लेकिन कोई उद्धार का सटीक उपाय नहीं बता पा रहा है, कोई कुछ बता नहीं पा रहा है, क्या किया जाए इनके लिए, इस प्रेत की मुक्ति के लिए क्या करें, हम कैसे करें कि इस प्रेत की मुक्ति हो जाए, इसका काम बन जाए, इसका कल्याण हो जाए, कुछ समझ में नहीं आया। तो स्वयं गोपालक श्री गोकर्ण जी महाराज ने स्वयं ही भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार किया, सूर्य नारायण महाराज जी का स्तंभन किया, उनसे प्रार्थना करी, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य नारायण भगवान, आप जगत के साक्षी हैं, जगत का कल्याण करने वाले हैं, आप जगत को प्रकाश देने वाले हैं, आप मेरे भाई धुंधकारी के मुक्ति का उपाय बता दो। ये सामर्थ्य है एक गो सेवक में, ये सामर्थ्य है एक गोपालक में, ये सामर्थ्य है एक गोपुत्र में कि वह भगवान सूर्य को भी स्तंभित करके उनसे प्रार्थना करता है, उनसे भी मुक्ति का उपाय पूछ सकता है। सूर्य नारायण भगवान ने उपाय बताया। भागवत जी का पाठ, भागवत जी से ही इनका कल्याण होगा। देखिए कितनी ठाकुर जी की कृपा है, कितनी ठाकुर जी ने कृपा करी और कितनी दयालुता है गोकर्ण जी महाराज के हृदय में। क्यों ना हो, जिन गैया मैया का वात्सल्य जिन्होंने प्राप्त किया है उनके अंदर तो सहज ही वात्सल्य उमड़ता है, सहज ही वात्सल्य है। और उन्होंने तुरंत ही वहीं पर भागवत जी का श्रवण कराया है, भागवत जी का। और ये बात एकदम सच्ची है, भागवत जी का पाठ कल्याण करता है हमारा। भागवत जी अनेकों हजारों लाखों लोगों का कल्याण कर रही है। कितने उदाहरण हमने सुना है कि भागवत जी का पाठ सुनने मात्र से, भागवत जी का श्रवण करने मात्र से कितने लोगों का उद्धार हुआ है। भागवत जी कल्प वृक्ष है, किसी भी कामना की पूर्ति करने वाली है, भागवत जी सब कुछ देने वाली है। भागवत तो भगवत प्राप्ति भी कराती है, कोई निष्काम होकर के भागवत सुनता है तो उसको भगवत प्राप्ति होती है, कोई सकाम होकर के जिस कामना से भागवत को श्रवण करता है, भागवत जी का पाठ कराता है, भागवत जी को श्रवण करता है, उसका वह कामना पूर्ति हो जाती है, उसकी वह कामना पूर्ति हो जाती है। कोई भागवत अपने पितरों के उद्धार के लिए कराता है तो उसका काम बन जाता है, उसके पितरों का उद्धार हो जाता है। कोई भागवत अपने माता पिता के उद्धार के लिए कराता है, उसका भी काम बन जाता है। कोई भागवत अपने पुत्र प्राप्ति के लिए भागवत श्रवण करता है तो उसको पुत्र प्राप्ति हो जाती है। कोई भागवत दुकान मकान बनाने के लिए करवाता है तो उसका भी काम बन जाता है। कोई भागवत अपने कल्याण के लिए कराता है तो भी उसका काम बन जाता है। ये कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है। तो भागवत जी के पाठ मात्र से ही जीव का कल्याण, इसलिए हमारे जड़खोर गोधाम में हमारे जड़खोर के ही ब्राह्मणों के द्वारा बढ़िया गैया का दूध दही घी छाछ बढ़िया पी पी करके ब्राह्मण जन लोगों के पितरों के उद्धार के लिए, उनके कामनाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर पाठ भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने संकल्प भी कराया है कि महाराज जी हमारे भागवत जी का एक पाठ हमारा भी करवा दीजिएगा, एक पाठ हमारा भी करवा दीजिएगा, एक पाठ हमारा भी करवा दीजिएगा। तो जो हमारे जड़खोर गोधाम के ब्राह्मण हैं उनके द्वारा यहाँ पर भागवत जी का मूल पारायण भी चल रहा है, उनके द्वारा यहाँ पर भगवान शंकर का अभिषेक भी चल रहा है, उनके द्वारा यहाँ पर
श्री सूक्त का पाठ, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, श्री अथर्व शीर्ष का पाठ, मूल मंत्र का जप और श्री महामृत्युंजय, क्योंकि सावन चल रहा है। अब सावन तो भगवान भोलेनाथ का ही है, भादव हमारे कृष्ण का है, इसके बाद वाला देवी जी का है, अपना अपना। तो श्रावण जैसे ही आता है ना, तो लोग शंकर जी के मंदिर की ओर चलने लग जाते हैं अपने आप, भैया सावन का सोमवार है चलो, क्यों ना हो। भूत भावन है, राम की भक्ति देने वाले हैं, राम के प्रति प्रेम बढ़ाने वाले हैं, ये शिव हैं, कल्याण करने वाले हैं। तो यहाँ हमारे जड़खोर गोधाम में लोगों के कल्याण के लिए श्री महामृत्युंजय का जपादि भी हो रहा है, और जब से महाराज श्री ने आज्ञा करी है तब से ही यहाँ पर कोरोना के शांत्यर्थ भगवती दुर्गा का पाठ भी यहाँ पर, संपुटित पाठ यहाँ पर चल रहा है लगातार क्रम से यहाँ पर, वह भी कि कोरोना से हम सबको शांति मिले, इसके लिए भी यहाँ जन कल्याण के लिए भी यहाँ पर भगवती की उपासना चल रही है। श्री महाराज जी की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन भी, आप सब यूट्यूब के माध्यम से दर्शन भी कर रहे होंगे खूब, पार्थिव पूजन स्वयं महाराज जी स्वयं बैठ करके और भगवान भोलेनाथ का अर्चन पूजन और वंदन करते हैं। कल तो संपूर्ण रात्रि तक पूजन हुआ, चार पहर तक भगवान का, मास शिवरात्रि थी तो उसमें अभिषेक हुआ, अन्य अन्य पदार्थों से यहाँ पर दूध से अभिषेक, गन्ने के रस से अभिषेक, अनार के रस से अभिषेक, गंगा जल से अभिषेक आदि खूब लोगों ने, रात्रि जो जाग सका वो जाग करके खूब किया। और तो और महाराज जी स्वयं ही प्रथम पहर और अंतिम पहर के पूजा में अस्वस्थ होते हुए भी महाराज जी ने स्वयं किया, स्वयं आकर के पूजन किया। तो कल महाशिवरात्रि में भी और नित्य के पूजन में एक महीने तक श्री महाराज जी के द्वारा पार्थिव पूजन चल रहा है, आप सब दर्शन भी कर रहे होंगे। तो श्रावण के महीने भर तो ये उत्सव ठाकुर जी की कृपा से चल रहा है, किसी को बुलाया इसलिए नहीं जाता है क्योंकि भाई कोरोना का समय चल रहा है, सरकार का आदेश भी है और हमको सरकार की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, उनके नियमों का पालन हमारा कर्तव्य है। तो कोरोना के देखते हुए लोगों के कल्याण के लिए उनके नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके जो कराते हैं, जिनका नाम हमारे नंबरों पर सूचना आ जाती है, उनका यहाँ पर पाठ आदि पूजन भी यहाँ पर खूब विधिवत हमारे श्री गणेश दास भक्तमाली वेद विद्यालय के आचार्यों द्वारा, वहाँ के ब्रह्मचारियों द्वारा यहाँ पर पूजन का क्रम भी चलता है, आप सब दर्शन भी कर रहे होंगे, वो भी क्रम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चलता है। पंचदेवों का अर्चन भी खूब विधिवत यहाँ पर जड़खोर गोधाम में होता है, जिसमें भगवान नारायण का, भगवान शंकर जी का, श्री गणेश जी का, श्री सूर्य नारायण भगवान का, भगवती दुर्गा की उपासना भी चलती है। खूब लोग इसमें भाग भी ले रहे हैं और आगे भी लोग लेते रहेंगे। कहने का तात्पर्यार्थ केवल इतना है यहाँ पर कि श्री गोकर्ण जी महाराज ने कितनी समान दृष्टि है उनकी, धुंधकारी जैसे दुष्टात्मा को, धुंधकारी जैसे दुराचारी का भी कल्याण करने के लिए पीछे नहीं हटे, उसके प्रति भी किस प्रकार का भाव रख करके और उसका भी कल्याण कर दिया, ये कोई और नहीं कर सकता है, ये गैया के श्री गोकर्ण जी महाराज, गोपुत्र ही ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जो गैया है ना, वो हमको क्या नहीं देती है, जिस चीज की हम कभी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वह भी वस्तु सामग्री गैया हमको सहज में दे देती है।
गैया की हम जब सेवा करें, जब गैया की हम सेवा करते हैं, जब वह वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से हमको देखती है, हमको सूंघती है, हमको चाटती है ना, तो हमारे अरिष्टों का भी वह समन कर देती है, हमारे अरिष्टों का भी नाश कर देती है, हमको जीवन प्रदान कर देती है। ये गाय का महत्व है। प्रत्येक शास्त्र में, प्रत्येक पुराण में गाय की महिमा जितनी कही गई ना, इतनी गाय की महिमा कही गई है, अद्भुत है गाय की महिमा। स्वयं भगवान ने ही गाय की महिमा कही है, स्वयं भगवान ही पद्मगंधा गैया का दूध पीते हैं। फिर भी हमारे मन में पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि हम गाय से दूर होते जा रहे हैं। हमारे अंदर गाय के प्रति प्रेम ही नहीं आ रहा है, हमारे अंदर गाय के प्रति आस्था ही नहीं आ रही है, हमारे अंदर गाय के प्रति थोड़ी सी भी निष्ठा ही नहीं आ रही है। गौ माता कृपा करें, सबके अंदर गो भक्ति प्रकट हो। गौ माता कृपा करें, कम से कम कुछ हम नहीं कर सकते हैं तो कम से कम एक गैया का तो पालन कर ही सकते हैं। छोटा सा भी छोटा व्यक्ति एक गाय की सेवा कर सकता है, आराम से कर सकता है। एक महीने की सेवा, छोटी सी सेवा, अरे कितने रुपया का भूसा खाएगी वो। हमारे यहां की एक योजना है जिसमें एक महीने की एक गैया की सेवा 1750 रुपया है। अब आप बताओ, एक महीने में गैया 1750 रुपया का अन्न खा लेती। क्या हम इतने भी लायक नहीं है? क्या हम इतनी भी सेवा नहीं कर सकते हैं? एक गैया की एक महीने की सेवा भी नहीं कर सकते? इस प्रकार की दृष्टि हमारी, पता नहीं, हम सच्ची कहें, लोग तो ऐसे गाय से दूर होते चले जा रहे हैं, लगता है गैया नहीं कोई भूत है, इनको पकड़ के खा जाएगी। भूत खा जाएगा लेकिन ये तार देगी, अगर आप इसके पास आ गए तो ये आपका काम बना देगी। पता नहीं लोगों को किस प्रकार की दृष्टि मिल गई, पता नहीं लोगों ने क्या भ्रम पाल रखा है लोगों ने। सच्ची कहूं, आप एक बार जड़खोर आ करके देखो, एक बार आप जड़खोर के प्रकल्पों को देखो, आप एक बार जड़खोर के दृश्य को तो देखो, एक बार आप गैया की सेवा देखो। महाराज जी का हमारे सख्त आदेश है, गैया और ग्वाले कभी दुखी नहीं होने चाहिए, ब्रजवासी दुखी नहीं होने चाहिए। इसलिए हम सबका भी एक ही लक्ष्य है, कुछ भी करो गैया सुखी होनी चाहिए। देखो, गाय सुखी होगी ना तो सब सुखी होंगे, और गाय दुखी होगी तो प्रत्येक प्राणी दुखी होगा। गाय भटकेगी तो प्रत्येक व्यक्ति भटकेगा। अगर गाय रोड पर आई ना तो हम भी रोड पर आएंगे। इसलिए प्रत्येक सनातनी का यह धर्म है, प्रत्येक सनातनी का यह कर्तव्य है। और हम सच्ची बताएं, एकदम सच्ची बात कह रहे हैं, गाय की सेवा के लिए कोई धर्म नहीं, गाय की सेवा के लिए कोई जाति नहीं, गाय की सेवा के लिए कोई संप्रदाय नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें कि नहीं भैया इसी जाति के लोग गैया की सेवा करेंगे, इसी संप्रदाय के लोग गैया की सेवा करेंगे, इसी जाति के लोग सेवा करेंगे, ये उन्हीं की गैया है। अरे दूध तो सब कोई पीता है, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई ईसाई हो, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी आश्रम का व्यक्ति हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, प्रत्येक व्यक्ति गाय का दूध पीता है कि नहीं पीता है? क्या उसका कर्तव्य नहीं है कि वो गाय की सेवा करे? उसका कर्तव्य है। और एकदम ये सच्ची बात कह रहा हूं, अगर वह गाय की सेवा नहीं कर रहा है तो उसका आश्रम भी कुछ ही काम का नहीं है। ब्रह्मचारी सेवा नहीं है तो कोई ब्रह्मचर्य पालन नहीं है। अगर गृहस्थी गैया की सेवा नहीं कर रहा है तो झूठ बोल रहा है।
वानप्रस्थी सेवा नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं है, चतुर्थाश्रम में सेवा नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं है। सबको अधिकार है, किसी भी जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो या अन्य किसी भी जाति का व्यक्ति हो, प्रत्येक का कर्तव्य है कि गैया की सेवा करे। उसका दूध पीता है, उसका कर्जदार है वो। ये नहीं है कि नहीं इसी संप्रदाय के ही व्यक्ति गैया की सेवा करे, अन्य कोई नहीं करेगा। सबको सेवा का ये अधिकार सबके लिए है, भगवान ने सबके सेवा के लिए है। कैसी हमारी दृष्टि हो गई है, हम गैया काटने में सहयोग कर रहे हैं, हम गैया को काटने के लिए देते हैं, गैया को बेचने के लिए हम दे देते हैं। कसाई के हाथ में हम गैया को स्वयं बेच देते हैं, भैया आप दूध देने लायक नहीं रह गए, भेजो इसको। हमारी स्थिति इस प्रकार की बनी चली जा रही, बनती चली जा रही है। पता नहीं कौन सा अन्न खा रहे हैं, इस प्रकार की बुद्धि हमारी होती चली जा रही है। गायों को हम स्वयं ही बेच देते हैं, कसाई खाने में बेच देते हैं, भैया हटाओ इनको यहां से। हम बछड़ों को बेच देते हैं, बैलों को बेच देते हैं कि ले जाओ भैया कटवा दो इसको। पता नहीं कैसी बुद्धि हो गई है, जीव के प्रति हमारी थोड़ी सी भी गैया मैया कृपा करे, सबको ऐसी बुद्धि दे कि गैया मैया से सबका प्रेम हो, सबके अंदर गोमाता के प्रति आस्था प्रकट हो, सबको सबके अंदर गोमाता के प्रति प्रेम प्रकट हो, सब कोई गाय की सेवा में लगे। ये पता नहीं क्या हो गया आजकल कि महाराज ऐसी स्थिति हमारी हो गई है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हमको गाय की सेवा करनी चाहिए। कहीं भी रहो, देश में रहो, विदेश में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन गाय की सेवा से जुड़ो, गाय की सेवा में रहो, गाय के पदार्थों का सेवन करो। हम सच्ची कहें, आप स्वार्थ पर भी गैया की सेवा कर रहे हो ना। आप कहो कि कोई बात नहीं, हम तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अरे तो गैया के बने हुए पदार्थों का उपयोग तो करो, गैया के पदार्थों का उपयोग करो, गैया के पंचगव्य को लो, इन पदार्थों का भी प्रयोग करो। ये भी गौ सेवा का एक ही प्रकल्प है, इससे भी हमारे हम गौ सेवा होगी हमारे द्वारा। कैंसर के इलाज के लोग करोड़ों रुपया लोग बर्बाद कर रहे हैं, उनसे कहो कि भैया कुछ नहीं, थोड़ा सा गौमूत्र लिया करो, गैया का बछिया का गौमूत्र लिया करो। उनको वो लगता है कि अरे नहीं, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट होगा। तुमने दूध पीने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है। ये सब बातें पता नहीं लोगों के अंदर में कौन व्यक्ति कहां से और ऐसी बुद्धि बना करके लोगों को भर दिया है कि गाय के प्रति तो हमारी पता नहीं कैसी बुद्धि हो गई है। जब तक हमारे मन में गौ माता के प्रति प्रेम नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। गोकर्ण जी महाराज ने जो उपदेश दिया है, जो कहा है गोकर्ण जी महाराज के द्वारा की गई भागवत को, जैसे ही उसने हृदयंगम किया, उसके अनुसार जीवन जीने लगा, तो 7 दिन में उसका कल्याण हो गया है, प्रेत की मुक्ति हो गई। कितनी ऊंची बात है, भागवत से उसका कल्याण हो गया। और हम भागवत सुनते सुनते जीवन व्यतीत हुआ, हमारा कल्याण तो अभी ना भया। कितनी कथाएं सुन ली, लेकिन फिर भी हमारा कल्याण पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। बस कारण वहां यही है, सच्चे मन से हम कुछ कर नहीं रहे हैं। कथा तो यहां सुनते हैं और यहां से निकाल देते हैं, फिर कहते हैं हम तो बहुत सुने कथा, बहुत सुने। कुछ नहीं सुनी तुमने,
संतों का संग तो करते हो लेकिन संतों की वाणी का पालन कहाँ कर रहे हो? बड़े बड़े महापुरुषों का सत्संग किया लेकिन उन्होंने जो कहा वो नहीं किया कभी। बड़े बड़े महापुरुषों का संग किया लोगों ने, अरे हमने उन महाराज का सत्संग किया था आज से 50 साल पहले, लेकिन उन्होंने जो कहा वो नहीं किया हमने, हमने तो सत्संग सुना बस। कैसे सुने? बोले ऐसे सुने, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दिए। बरसात तो हो रही थी लेकिन घड़ा पलट के रखे थे हम, ऊपर से निकल जाए अंदर ना घुस जाए, नहीं फिर गड़बड़ा जाएगा। ऐसी दृष्टि हो गई लोगों की। संतों का संग करने के बाद संतों की वाणी के अनुसार जीवन जीना है। अगर हम संतों की वाणी के अनुसार जीवन जिएंगे तब हमारा काम बनेगा, बिना उसके काम बनने वाला नहीं है। नहीं तो आप कितने भी सत्संग कर लो, 1-2 हज़ार नहीं 10-20 हज़ार बार जन्म लेकर के भी अगर आप जीवन जिए नहीं ना तो नहीं हो सकता लाभ आपको। दवा रखे रहो घर में, खाओ नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। हमारे घर तो बहुत कमरे में हमारी पुस्तकें रखी लेकिन ज्ञान हमको कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो रखी हुई हैं, है बस केवल रखी है, हमने उठा के पढ़ी नहीं, हमने देखी नहीं कभी। संतों के सत्संग में जाते तो हम हैं, बहुत बढ़िया जाते हैं, बंठन करके और जाते हैं, माला भी हाथ में ले लेते हैं हम, हाँ जा करके आगे आसन लगा करके हम माला घुमाते हैं, ऐसा तिलक लगा लेते हैं केवल सत्संग में जाने के लिए, उसके बाद तो सब मिटा के रख देते हैं दिखाने के लिए कि लोग देखें तो कहेंगे अरे बड़ा भगत है, हैं बड़ा बड़ा सब दिखे, लोग हमको कहें भगत हैं, ठीक है, लेकिन ये दिखाने वाली भक्ति नहीं, हृदय वाली भक्ति होनी चाहिए। ये हृदय की भक्ति होनी चाहिए, हृदय से भक्ति होनी चाहिए, हृदय से संतों से जुड़ना चाहिए, हृदय से अपने विचारों को खोल करके रख देना चाहिए संतों के सामने में, सब कुछ अपने आप काम बन जाएगा, अपने आप सारा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हमने सारी बुद्धि लगाना है तो सेवा में ही लगानी है, सारा सब कुछ बुद्धि उसी में लगाएंगे, करें कि ना करें, और करेंगे तो क्या होगा, अरे ना करो रहने दो, इतना कहाँ गड़बड़ा जाएगा, इतना दे देंगे तो है? ऐसे लोग होते हैं। सही बताएं, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना, दो नाव में पैर रखने वाली बात मत करो, दो नाव में पैर मत रखो, एक ही जगह एक ही तरफ रहो, या तो इधर या तो उधर, दुविधा में मत रहो। वृंदावन में आपने उन सेठ जी का मंदिर देखा होगा, रंग जी से लगा हुआ, बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं, अपने गोपेश्वर महादेव से आगे जाओ तो लाला बाबू का मंदिर है, बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं, अद्भुत ठाकुर जी हैं, कलकत्ता के सेठ, सब कुछ छोड़ के चल दिए, पैदल चल पड़े सब कुछ छोड़ करके, रात को ही निकल पड़े घर से, भागे वहां से, भोर होते होते चौराहे तक पहुंच गए, चौराहे पर आ गए, बीच चौराहे में खड़े होकर के सोचने लगे क्या करें क्या ना करें, ऐसा हो जाता है जीवन में। बोले घर में हुई खटपट, बोले चल बाबा के मठ पर, है हाँ वहां तो बहू के ताने सुनने को मिलते हैं, वहां तो खाने को मिलेगा, यहाँ तो कुछ करना है पड़ता है, वहां तो बैठे बैठे पंगत मिलेगी, हाँ चल पड़ा वो चौराहे पे जा करके खड़ा हो गया। भोर का समय एकदम, एक मेहतरानी झाड़ू लगा रही थी चौराहे पे ही, वो झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते उसने जैसे इनको बीच में देखा, तब उसको वहां भी झाड़ू लगाना था, उसने कही दिया, उसने कही दिया सेठ जी एक तरफ हो जाओ, सेठ जी
एक तरफ हो जाओ, चौराहे पे खड़े मत रहो। उसका कहने का तात्पर्य अर्थ है, हमको झाड़ू लगाना है, आप इधर हो जाइए या इधर हो जाइए। उनके मन में आ गए, ये तो कही रहे सही, या तो घर ही चले जाओ या तो वृंदावन ही चले जाओ। चल पड़े वृंदावन की ओर। सुबह से लेकर के शाम तक चले, फिर मन में आ गई बात, लौट जाए क्या, ना जाए वृंदावन, पता नहीं कैसा होगा। तो लोग कुछ लेना देना तो उनको था नहीं। सायंकाल के समय में एक सब्जी बेचने वाली सब्जी बेच करके और अपने घर की ओर जा रही थी। दिन डूबने वाला था, सूर्यास्त होने वाला था, तो वो जल्दी जल्दी चली जा रही थी। ये मिल गए, इन्होंने रोक लिया, इनको कुछ लेना देना था नहीं, वही समय बिताना इनको तो, दिन काटना। सब्जी कैसे दिए सेठ जी, ये इतने रुपए किलो। अच्छा ये आलू कैसे दिए इतने, लौकी कैसे दिए, तोरई कैसे दिए, पालक कैसे दिए। वो समझ गई कि इनको लेना नहीं है कुछ भी, उसने कही दिया, सेठ जी जल्दी कर लीजिए, समय बहुत कम है, जाना बहुत दूर है। समय बहुत कम है, जाना बहुत दूर है। उसका कहने का तात्पर्य यार, जल्दी आपको जो लेना हो सो ले लीजिए, हम सूर्यास्त तो होने वाला है और जंगल है, समय बहुत कम है, हमको जाना है। उसके जीवन में समझ में आ गया, सेठ जी समझ गए जीवन बहुत थोड़ा है, जो निर्णय लेना है जल्दी ले लो, जो निर्णय लेना है जल्दी ले लो, तुरंत ले लो। सब कुछ छोड़ करके सब्जी वाली को प्रणाम करके और वृंदावन की ओर चल पड़े। आकर के वृंदावन में रहे, लाला बाबू का मंदिर आप सबने दर्शन किया। तो यही बात है कि हमारे पास भी जीवन बहुत कम है। कब कैसे कोरोना में कौन लटक जाएगा कोई पता नहीं है भैया, काऊ की रजिस्ट्री नहीं है। हाँ कोरोना में कितने गए समझ लेना, तो कब किसकी कब आ जाए, कितनी जल्दी आ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए जितना हो सके, जितनी जल्दी हो सके सेवा में जुड़ जाना चाहिए, जितना हो सके उतना भजन में लग जाना चाहिए हमको। लोग पहले कहते थे महाराज समय नहीं है, अब तो तुम्हारे पास समय था, अब तो भजन कर लेते कम से कम। कोई काम नहीं था तुम्हारे, घर ही में तो थे, फिर भी तुम अगर भजन ना किए तो समझ लो अब तुम भजन नहीं करोगे कभी है, अब तुम्हारे से भजन बनने वाला नहीं है। अगर इन परिस्थितियों में भी अगर आपसे भजन नहीं बना तो आप समझ लो कि बिल्कुल पक्का आप अब भजन नहीं कर पाओगे है। अगर आपने इस कोरोना काल में माला नहीं घुमाई है तो समझ लो अब माला नहीं घुमा पाओगे। अगर आपने इस समय अगर ठाकुर सेवा नहीं करी तो आप समझ लो पक्के आप अब ठाकुर सेवा नहीं, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है आपको, इससे अच्छा मौका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा अब आपको। जिसने कोरोना काल में भजन नहीं किया वह समझ लो अब भजन नहीं करेगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका कहां था। एकदम पक्की बात, जिसने अपने ठाकुर को इस कोरोना काल में नहीं मनाया ना, उसने सेवा नहीं करी अच्छे से ना, तो पक्का वो अब सपना देख रहा है कि हम ठाकुर सेवा बाद में करेंगे। वो सपना उसकी झूठी बात है, ये सच नहीं हो सकता है, क्योंकि इस काल में उसके पास पूरा समय था, सब कुछ उसके पास था, समय भी था, परिस्थितियां भी ऐसी थी कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता था, निकलेगा तो डंडा और पड़ेगा उसको, तो जबरदस्ती घर के अंदर रहना पड़ रहा है। अगर इन परिस्थितियों में अगर उसने भगवान की सेवा नहीं की है, अगर उसने अपने ठाकुर को नहीं मनाया, उसने ठाकुर की सेवा पूजा नहीं करी है, बढ़िया बढ़िया भोग बना करके अपने भगवान को नहीं खिलाया है, अगर वो कल्पना कर रहा है कि अगले में करेंगे तो वो झूठ बोल रहा है, अब नहीं कर पाएगा। ऐसी अच्छी सुंदर परिस्थिति ठाकुर जी ने दे दी है कि भैया आप तो सेवा पूजा हमारी कर ले, अब तो कम से कम हमको मना ले, अब तो कम से कम हमारा नाम जप कर ले, अब तो कम से कम मुझे मना ले, भगवान ने सब समय दिया। अगर आप इस समय आपने भजन नहीं किया ना, तो समझ लो पक्का आप नहीं कर सकते भजन, फिर आपको नहीं हो सकता, आपसे कुछ भी नहीं हो सकता है। भगवान ने इस कोरोना काल की परिस्थिति में भगवान ने यही समझाया, भैया भजन करना ही जीवन का सार है। हाँ और देख लो सबका चलता रहा बढ़िया, सब कोई अपना काम थोड़ा बहुत तो सभी का चलता रहा। लेकिन जो लोग कहते ना कि हमारे पास महाराज फुर्सत नहीं है भजन करने के, अगर उनने अब भजन नहीं किया होगा ना इस समय में, तो पक्की बात है वो अब कभी भजन नहीं करेगा।
जहां मनुष्य का लगा था वो वहीं लगा रहेगा और यही काम करते करते चला जाएगा, अड्डे पर पहुंच जाएगा वो, हैं, यमराज के यहां तक पहुंच ही जाएगा वो। अगर इन किन परिस्थितियों में, अगर इन परिस्थितियों में, इन विकट परिस्थितियों में उसने गौ सेवा नहीं करी तो फिर बहुत मुश्किल है कि उसके जीवन में गौ सेवा बन पाएगी। अगर इन परिस्थितियों में वो गौ सेवा नहीं किया है तो बहुत मुश्किल है वो अन्य सेवा से जुड़ पाएगा। अगर इन परिस्थितियों में उसने ठाकुर जी की सेवा अपने नहीं करी, अपने ठाकुर जी को नहलाना नहीं, धुलाया नहीं, लड़ाया नहीं है, तो एकदम पक्की बात है वो अब नहीं लड़ाएगा वो कभी। वो तो बस मंदिर में बस रख रखा है, पर्दा लगाता है, बस हो गया, एक धूप बत्ती अगरबत्ती दिखा के काम चला रहा है, वो पक्की बात है एकदम। अगर अच्छा अच्छा माल उसने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, रबड़ी मालपुआ नहीं खिलाया, तो अब वो नहीं खिलाएगा। भगवान को भी भरोसा हो गया होगा कि अब नहीं खिलाएगा ये, ये एकदम पक्की बात है। ये समय भगवान ने दिया है उसको, इसीलिए तो भगवान ने कहा करो ना। क्या बोले? मेरी सेवा करो ना, तभी इसलिए भगवान ने कोरोना लाए। हाँ, मेरी सेवा करो ना, मेरी पूजा करो ना, एकदम पक्की बात है। अगर इन परिस्थितियों में आपने भजन नहीं किया होगा, इन परिस्थितियों में आपने ठाकुर सेवा नहीं की होगी, इन परिस्थितियों में आपने भगवान से लाड़ नहीं लड़ाया होगा, इन परिस्थितियों में आपने कुछ नहीं किया होगा ना, तो अब आप समझ लो अब आप कुछ नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे, एकदम पक्की बात समझ लो। और जिसने इन परिस्थितियों में अपने ठाकुर को लाड़ लड़ाया होगा, अपने बांके बिहारी को लाड़ लड़ाया होगा, अपने स्नेह बिहारी को लाड़ लड़ाया होगा ना, तो अवश्य में वो लड़ाएगा, मरते दम तक लड़ाता रहेगा, अपने बिहारी को मनाता रहेगा। ये परिस्थिति ही हमको बता देती कि हम कहाँ जा रहे हैं। इन विकट परिस्थितियों में उसने भगवान का आश्रय नहीं छोड़ा, इन पर विकट परिस्थितियों में उसने जो है ना भगवान का भजन नहीं छोड़ा, इन विकट परिस्थितियों में वह भगवान से जुड़ा रहा, संतों के वाणियों का अगर लाभ लेता रहा। पहले लोग कहते थे कि महाराज सुनने का भी समय नहीं है, अगर इन परिस्थितियों में उसने नहीं सुना होगा तो पक्का वो आप कभी सत्संग नहीं सुनेगा, उसे नहीं बन पाएगा, वो नहीं कर सकता है कभी, ये पक्की समझ लो। एक तो आपकी स्वयं की परिस्थिति है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो, सब डरते हैं मरने से, कोरोना हो जाएगा, मर जाएंगे, है ना, तो घर में तो रहो। और कदाचित कोई इतना बड़ा पहलवान हो, उसको डर नहीं लगता हो मरने से, तो उसको पुलिस के डंडे से जरूर डर लगा होगा कि बाहर निकलेंगे तो मार खाएंगे जरूर हम। तो दोनों परिस्थितियां थी उसके जीवन में, उसको घर के अंदर रहना पड़ा। अगर इन परिस्थितियों में घर में रहते हुए अगर उसने ये सब भगवान के भजन में नहीं किया होगा, केवल एकमात्र संसार का चिंतन किया होगा, विषयों का चिंतन किया होगा, तो पक्का वो अब उधर ही जाएगा, वो उधर नहीं जाएगा भगवान की तरफ, वो फिर उस मार्ग में नहीं जा सकता। अब इससे अच्छी परिस्थिति भगवान के भजन की नहीं मिल सकती है। उसने उसका मन अगर नाम जप में नहीं लगा होगा, उसने कई अनुष्ठान नहीं किए होंगे, नाम जप के कुछ अनुष्ठान अगर उसने नहीं किया होगा, अपने ठाकुर को अच्छे तरीके से मनाया नहीं होगा, जिन परिस्थितियों में वो कह रहा था प्रभु जी मरने की फुर्सत नहीं है, एक गिलास दूध से काम चला लो तुम बस अभी, उसके पास अब तो सब कुछ व्यवस्था थी, किसी की दूध थोड़ी बंद हुआ था भाई कि भैया दूध आना बंद हो गया था, वो तो सरकार ने कहा भैया दूध सब्जी भेजते रहो सबके घर, बीमार भी नहीं पड़ सकता है क्योंकि दवाओं की मेडिकल की दुकानें भी खुली थी, सब मिल रहा था उसको, हाँ खाने की सामग्री भी मिल रही थी उसको, दूध भी मिल रहा था, सब कुछ मिलने के बाद भी केवल उसको और काम धंधे बंद करा दिए थे भगवान ने कि चल कोई बात नहीं है, बहुत तूने कर लिया काम धंधे, कम से कम एक दो साल बंद रख सब, कम से कम भजन कर मेरा, सब भगवान ने व्यवस्था करके रखी। अगर उसने भजन नहीं किया होगा ना तो पक्का वो नहीं करेगा, वो सोचे ना कि हम कोई नहीं अब अगले साल देखेंगे भजन करने का, पक्का वो नहीं करेगा फिर तो, उसके अंदर अब इससे ज़्यादा क्षमता नहीं आएगी कभी, उसको ऐसा मौका अब नहीं मिलेगा किसी को भी। यह परिस्थितियां हैं हमको, ये परिस्थितियां हैं हमको अपने अपने जीवन की स्थिति को बताती है कि हमारे जीवन की स्थिति क्या है, ये परिस्थिति हमारे जीवन की स्थिति है। परिस्थिति ही हमारे जीवन की स्थिति है। एक बहुत अच्छी बात, श्री परीक्षित जी महाराज के जीवन में एक परिस्थिति आई, श्री परीक्षित जी महाराज के जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आई कि अब वो क्या करें, सर्पदंश का श्राप लग गया है कि आज के सातवें दिन वो मर जाएंगे, उनको सांप
तक्षक काट लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये परिस्थिति उनके जीवन में आ गई। ये बहुत बहुत अच्छी बात, देखिए उनके जीवन में एक स्थिति परिस्थिति आ ही गई कि उनको सर्पदंश का भाग आज के सातवें दिनों मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, बच नहीं सकते हैं। हमारे जीवन में ये परिस्थिति आ चुकी है कि कोरोना काल हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। राजा है वो, चक्रवर्ती सम्राट है वो, उनके पास सारी चीजों की उपलब्धता है। वो चाहे तो अपना तुरंत ही कल्याण कर सकते हैं, वो चाहे तो अपने वो सर्पदंश जो उनको भय लगा है ना वो समाप्त कर सकते हैं। इतने महात्मा उनके परिचित हैं, इतने वैद्य उनको परिचित हैं, यहां तक कि भगवान भी उनके परिचित हैं। भगवान भी तो परिचित के परिचित हैं, उन्हें इनके तो खानदान के हैं महाराज, उन्हीं के खानदान के हैं। बुला लेते भगवान को कि प्रभु इसको मिटाओ, खत्म करो, भगवान कल्याण कर देते। संतों को बुला देते, ऋषि महात्माओं को जो सब गंगा किनारे पहुंच गए थे, उनसे कह देते कि ये जो श्राप लगा है इसको समाप्त करो। ये बात, ये जीवन में जो है ना उनकी परिस्थिति आई, लेकिन उनकी मनः स्थिति कहां थी, ये विचार करने की बात है। उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई तो उनकी मनः स्थिति क्या थी? उनकी मनः स्थिति थी कि सबको छोड़ करके गंगा किनारे पहुंच गए। ऐसी होती है मना स्थिति, इसको कहते हैं मन की स्थिति क्या है। हम सही बताएं, हमको पता चल जाए कि हम कल मर जाएंगे तो हम तो डॉक्टर के पास जाएंगे, इंजेक्शन लगाओ बच जाएं अब की बार। उनको भी पता था कि हम मरने वाले हैं, लेकिन किसी से यह नहीं कहा कि हमको बचा लो। इसको कहते हैं मन की स्थिति। उसकी मन की स्थिति किस प्रकार से रही होगी जिसको पता चल गया होगा कि आज के सातवें दिन हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी इतना होते हुए भी उनकी मन की स्थिति कैसी रही? सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, गंगा का आश्रय ले लिया। सुखदेव से प्रश्न कर रहे हैं तो ये नहीं प्रश्न कर रहे हैं कि बचने का उपाय बता दो कि हम मरे ना। वो कह रहे हैं कि प्रभु बस यह बताइए कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। इसको कहते हैं, इस कोरोना की कोरोना काल की परिस्थिति भी ऐसी ही थी, कब मर जाएंगे कोई भरोसा नहीं था, कब कोरोना पकड़ लेता कोई नहीं समझ पा रहा था, कोई देख भी नहीं सकता था कोरोना को, कोई समझ भी नहीं पा रहा था। उसको खांसी भी होती तो भी कोरोना समझता, ज्वर होता तो भी कोरोना समझता, वो कहीं घर से बाहर नहीं निकला फिर भी उसको भय था कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं सब्जी में ही ना घुस के आ जाए, इसलिए उसको भी धोखे खाना है। अरे पता तो हमको भी था कि मरने वाले हैं, लेकिन उन परिस्थितियों में कितना तुमने भजनवान का भजन किया, तुमने कितने संतों का सत्संग सुना, तुमने कितने ठाकुर जी की सेवा करी, ये तुम्हारी परिस्थिति तुमको स्वयं समझ में आ गई होगी। इसको कहते हैं हमारी परिस्थिति में हमारी मन की स्थिति कैसे थी। परिचित के जीवन में परिस्थितियां आई हैं, लेकिन उनकी मन की स्थिति थी कि वो गंगा किनारे संतों का संग करने लगे, वो गंगा किनारे भगवान का सत्संग सुनने लगे, भगवान की कथाओं को सुनने लगे। हम मरने वाले होंगे तो हम तो डॉक्टर के बेड पर जाकर के लेट जाएंगे, लगाओ इंजेक्शन, बचाओ हमको। इसको कहते हैं मन की स्थिति। हमारा मन कहाँ जा रहा है परिस्थितियों से ही पता चल जाता है। तो इन कोरोना की परिस्थितियों में हमारी स्थिति कैसी थी ये अपने हिसाब से विचार कर लो। अगर मन आपका भगवान के भजन में लग गया हो, अगर आप भगवान की सेवा में ठाकुर जी की सेवा पूजा में लग गए हो, तो समझ लो आपकी मन की स्थिति ठीक है। और आप केवल रोटी खा करके खर्राटे मार के सोए, शाम को फिर पकौड़ी तले, फिर रात को बढ़िया ब्यारू करे, फिर तान के सोया, तो समझ लो आपकी मन की स्थिति ठीक नहीं है। आपने तो अपना जीवन ये 2 वर्ष का तो खाने सोने में बिता दिया, और जिसने इन परिस्थितियों में भगवान का भजन किया होगा, जिन इस परिस्थितियों में अपने ठाकुर को मनाया होगा, इन परिस्थितियों में भगवान का भजन किया होगा, इन परिस्थितियों में उसने संतों का सत्संग सुना होगा, उसकी मन की स्थिति तो वही समझ सकता है जिसने किया है। तो भैया अपने मन की आप जानो, है? अपने मन की आप जानो और क्या, मेरे मन की मैं जानू। अपने मन की स्थिति स्वयं आप समझ लो, हम कहाँ जा रहे हैं, किस मार्ग पर जा रहे हैं,
कहां हमारी मनस्थिति है। इसलिए हमारे मन की स्थिति को तो समझना चाहिए भाई, हमको मन की स्थिति को समझना है अपने, हमको मन की स्थिति को अपने संभालना है। ये सारे साधन भजन सारे सब कुछ जो कुछ भी है ना, ये मनस्थिति को संभालने के लिए ही है। जो कुछ भी किया जा रहा है ये सब जप यज्ञ अनुष्ठान ध्यान पूजा पाठ, ये सब मन का ही है, मन से ही सब कुछ होना है। नहीं तो कितना कथा में बैठो, मन अपना आप कहीं और लगा दो तो बैठे रहो कथा में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ मन चाहिए, जरूरी है इसके साथ मन का होना। और मन पे अगर काबू नहीं है ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक पंक्ति में कहा है कि देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। ये मन पर काबू होना जरूरी है, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए तो गीता में भगवान ने कहा मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से माना तो मेरा, मन से नहीं मारा तो मेरा अपना भी पराया लगता है। इसीलिए तो कहा गया मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, चटपट लखे न कोय। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। ये मन के खटपट मिटाने के लिए सारे साधन भजन है। ये सारे जो कुछ भी सारे साधन भजन पूजन पाठ, ये सब मन की खटपट मिट जाती है ना तो त्यागात शांतिरनंतरम, सब अपने आप काम बन जाता है। ये सब मन की गति है। इसलिए जो भी साधन और भजन जो कुछ भी किया जाता है ये अपने मन के अनुसार किया जाता है। इसलिए निशाना तो मन को बनाया जाता है महाराज, इसको कंट्रोल में करना जरूरी है, इसको देखना जरूरी है कि ये जा कहां रहा है। बहुत सूक्ष्म होता है मन, ये जा कहां रहा है सोचना हमको पड़ेगा, अपने विवेक की बुद्धि से इसमें हमको लगाना पड़ेगा किस मार्ग पर जा रहा है, सही रास्ते पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही मार्ग पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और गलत मार्ग पर जा रहा है तो सही मार्ग पर कैसे जाएगा। उसके लिए भजन साधन है, उसके लिए सत महापुरुषों का संग है, उसके लिए उनका उपदेश है हमारे जीवन में उतारने के लिए। इंद्रियों को किस प्रकार से कहां से और कहां से कैसे लगाना है इसके लिए सत्संग है। इंद्रियों को कितनी खुराक देनी है इसके लिए सत्संग है। कहां से उठा के कहां लगाना है इसके लिए सत्संग है। नलकुबर मणिग्रीव यही कह रहे हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनम। ये ज्ञानेंद्रियों की बात है, किस प्रकार किसको कहां लगाना है। अम्बरीश जी महाराज के जीवन से पूछिए, उनके जीवन को देखिए, उनका जीवन चरित्र सुनिए, पता चल जाता है कि चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी मन को कहां लगाना है, शरीर के किस प्रकार से शरीर से अपने सेवा देनी है। चक्रवर्ती सम्राट बताता है कि भैया सब कुछ करने वाले भगवान है इसलिए उनकी सेवा में लगे रहो। भक्ति करने के लिए, सही बताएं भक्ति करने के लिए भी जिगरा होना चाहिए, हृदय मजबूत होने चाहिए। नहीं बड़े बड़े सूरमा ढकल गए इसमें, आधे मार्ग पर छोड़ करके ही भाग गए। इसलिए भक्ति का जो मार्ग है ना, इसलिए इसमें संतों की जरूरत है, इसलिए इसमें संतों के सत्संग की जरूरत है, इसलिए यहां पर मार्ग की जरूरत है, इसलिए हमको उनका सत्संग सुनने की जरूरत है, सत महापुरुषों के संगों की जरूरत होती है, इसलिए उनके वाणी का हम लाभ लें और उनके जैसी वाणी उनके बोलते हैं उस प्रकार से हम अपना जीवन जिए।
और सही एकदम सच्ची बात फिर कहूं, अगर सत महापुरुष के वाणी का आप सुन तो रहे हैं लेकिन अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो एकदम चाहे उनके पास नहीं, चाहे कुछ भी कर लो उनके साथ में, लेकिन आपका पतन हो जाएगा अगर आपने उनकी वाणी सुन करके अपने जीवन में लाभ नहीं लिया, आपने वैसा जीवन नहीं जिया। दिखावा जरूर कर लेंगे लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। फिर सत महापुरुषों के वाणी को सुन करके उनके वाणी के अनुसार जीवन जीना है। राम ने जैसा जीवन जिया है हमको वैसा जीवन जीने के लिए कहा गया है। कृष्ण ने जो कहा है वो करने के लिए कहा गया है हमको। सत महापुरुष जो हमको वाणी से कहते उसके अनुसार हमको जीवन जीना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं ना तो कोई उनके पास रह करके भी आप लाभ नहीं ले पाएंगे, एकदम सच्ची बात है। और सच्ची कहूं आप दूर भी रहो लेकिन वो जैसी वाणी कह रहे हैं और वैसा अगर आप जीवन जी रहे हो ना, वैसा आप जीवन कर्म आपके जीवन में वैसे कर्म बन रहे हैं ना, तो आप लाखों कसों नहीं करोड़ों कोसों दूर भी रहोगे फिर भी आपको उनका लाभ मिलेगा, आपका काम बनेगा उसमें। ये बात कही गई है। इसलिए हमारे जीवन में इस प्रकार की जीवन शैली का होना अत्यंत जरूरी है। अभी सायंकाल के सत्र में महाराज श्री के द्वारा हम सब अभिषेक का दर्शन करेंगे, महाराज जी स्वयं अभिषेक करेंगे, पार्थिव पूजन महाराज जी करेंगे, तो महाराज जी के दर्शन का भी लाभ हम सबको मिलेगा। हम सब गौ माता से जुड़े, गौ सेवा से जुड़े, इसी उद्देश्य से श्री जड़खोर गोधाम में हम सब आए। आज का सत्र यहीं पर विश्राम, पुनः ठाकुर जी कृपा करेंगे तो श्री महाराज जी के सायंकाल के सत्र में दर्शन होगा। गौ माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री कामधेनु गो माता की जय। श्री घनश्याम दास बाबा की जय। प्रतिज्ञा वन की जय। जय श्री राधे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय
श्यामा प्यारो श्याम, प्यारी श्यामा प्यारो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो प्रिय वृंदावन वत्सल।